यस हा जी सभी लोग जल्दी से बताओ कि क्या आप सभी को आवाज आ रही है और स्क्रीन दिख रहा है क्या सामने नहीं आ रहा है मैट्रिक्स अभी ठीक है सभी लोगों आवाज क्लियर है आ अरे हाँ कैमरा एडजस्ट कर सर चिमिया मोमेंट पहली बार बेचारे सुबह सुबह आयो क्या मेरे को इस टाइम पे देखने का आदत नहीं है ना तुम्हारा थोड़ा सा फोकस भी कर दे यार श्री भाव थोड़ा फोकस भी कर दो और और थोड़ा और थोड़ा चाहिए ये ठीक है गुड मॉर्निंग जितने लोग ऑनलाइन कनेक्टेड है सभी को गुड मॉर्निंग मालिक बस ठीक है शुद स्टार्ट से एस अच्छा गुड मॉर्निंग क्या बात है सर ऑलमोस्ट में कितने दिनों बाद मिल रहा डेढ़ दो महीने बाद ऐसे कोने में बैठ के रो रहा था मैं मालूम चलिए सबसे पहली बात तो बहुत बहुत स्वागत है ग्रुप टू के अंदर में ग्रुप टू के अंदर में हम जो सब्जेक्ट लेने वाले सब्जेक्ट का नाम आप सभी को पता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट थियरी सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है मालिक थियोरी सबसे पहली बात बता दू इस सात से लेके नौ बीस तक के अब बिल्कुल चुप रहना मना है बिल्कुल चुप रहना मना है ठीक है जितनी फाड़ मस्ती हो सकती है सबको करनी है सब्जेक्ट के अंदर ठीक है पता चला पता चला मस्ती के नाम पे उधर देखे जा रहे हो लड़ाए जा रहे हो ना सब्जेक्ट में जितनी मस्ती करनी है उतनी मस्ती हम लोग जरूर करेंगे सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सबसे अच्छी बात इस सब्जेक्ट की यह है कि इसमें रटना नहीं पड़ता मतलब कोई भी कंटेंट को लेकर के आपको रटना नहीं पड़ेगा आ, सबसे अच्छी बात अमेंडमेंट नहीं आते मतलब ये पर्टिकुलर बैच आप 2025 में भी पढ़ रहे हैं तो ये उतना ही फ्रेश रहेगा जितना आज है बराबर है कुछ 6 साल बाद कुछ छह साल बाद पिछले साल इसमें अमेंडमेंट आया था कितने साल बाद छह साल बाद पिछले साल इसमें अमेंडमेंट आया था चार लाइन ऐड की गई थी बहुत बड़ा अमेंडमेंट था समझने को बड़ा टाइम लगा चार चार लाइन बस ऐड एंड दैट वाज अमेंडमेंट सो बहुत ही इजी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट के अंदर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं मैं आपको बता दूं हम लोग बहुत सारी चीजें करने वाले हैं सबसे पहले आज जो आपके बाजू बैठा होगा पहले दिन पे वो आपका दोस्त होगा ऐसा आपको लग रहा है यस बट बट इस सब्जेक्ट के दौरान वो आपका कॉम्पिटिटर भी हो सकता है पूछो क्यों वो इसलिए क्योंकि ये जो क्लास है ये चैप्टर नंबर थ्री के अंदर में अलग अलग टीम में बढ़ जाती है सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इस क्लास के दौरान आपको एक एक्टिविटी देते हैं जो एक्टिविटी हम सबको करनी पड़ती है और वो एक्टिविटी के अंदर में हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं ये प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है जो क्लास डिजाइन कर दी पिछले बार हम लोगों ने टैप डिजाइन किया था राइट एक्चुअली डिजाइन नहीं करनी पर इस टैब को बनाने के लिए एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस को बनाने के लिए जितनी भी प्लानिंग लगती है, in actual, हम एक skid करने वाले हैं। ये स्किड का आपको दो जगह काम आता है जब आप ओपी करते रहोगे सर ओपी पबजी वाला नहीं जब आप आपका ट्रेनिंग करते रहोगे दैट इज ओ सी मैं उसको ओपी भी बोलता हूँ क्योंकि हमारे टाइम से उसको ओपी बोलते आए तो ओसी के टाइम पे भी आपको इसका काम आने वाला है एट द सेम टाइम जब आप जीएमसीएस करोगे समझ रहा है ऐसा कोई कोर्स होता है है ना जब आप इस कोर्स को करोगे ना बट तो जीएमसीएस मैंडेटरी होगा आपको फाइनल डिग्री लेने के लिए तो जीएमसीएस में भी ये मैंडेटरी है तो उसका प्रैक्टिस आपको आज से हो जाएगा बराबर रजिस्टर लाया होगा सभी लोगों ने रजिस्टर निकालो फटाफट सर सर क्या हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लर्न करने के अलावा लिखने भी वाले मालिक अप्रोच बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसा डीटी में रहा है कंसेप्ट हम लिखेंगे भी क्योंकि मेरे पापा कहते हैं सौ बकी और एक लिखी आपको लिखना बहुत जरूरी है ये लिखना हम कहा यूज करने वाले हैं सर ये स्ट्रेट अवे आपके शॉर्ट नोट्स रहेंगे आपने इतना अगर पढ़ लिया तो इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी नमस्कार दोस्तों मैं हूं विजय साठ और आपका स्वागत करता हूं नए सब्जेक्ट के अंदर में सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है यार ये सब्जेक्ट और क्या ये रियली really इंपॉर्टेंट है या नहीं है चलिए मैं आपको सबसे पहले सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस के बारे में भी बता देता हूं कि क्या ये सब्जेक्ट रेलेवेंट बनता है या नहीं बनता है आइए मैं आपको बताता हूं सर ये कैसे रेलेवेंट बनता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एज अ सी ए सी एस सी ए में इसके आगे इसे प्रोफेशनल कहूंगा एज अ प्रोफेशनल आपको क्या लगता है हमारा ओपिनियन किसी भी कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइजेस में क्या इंपॉर्टेंस रखता होगा आपके हिसाब से और भैया जिसने भी अपनी जबान नहीं खोली जुबा केसरी होने के बावजूद उसको अटेम्प की कसम आपको क्या लगता है हमारा इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन में और एक भी फालतू तो डिस्कशन नहीं कर रहा हूं अपना मॉड्यूल खोल के देखना उसमें है दिया है हां क्या लगता है आपको हमारा वैल्यू कहां आता है आर वी इंटू अकाउंटिंग पोजिशन और आर वी इंटू मैनेजमेंट पोजिशन मैनेजमेंट पोजिशन ठीक है मैनेजमेंट में हाइएस्ट लेवल में हमें कहां रखा जाता है सी एफ ओ सी एफ ओ बोले तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर क्या इंपॉर्टेंस रखता है और हमें ये सब्जेक्ट पढ़ाया क्यों जा रहा है सबसे पहले तो ये दिमाग लगाने की जरूरत है आखिर क्या इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट का आइए आपको सबसे पहले हिस्ट्री के कुछ पन्ने पलटा के बताता हूं कि कैसे हम हमारे दिए हमारे द्वारा दिए गए कुछ फ्यू डिसीजंस ने ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट या उनकी किस्मत को बदल के रख दिया ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट या उनकी किस्मत को बदल के रख दिया हमारी शुरुआत होती है ठीक हर सुबह दिन से ही बोलो हां दिन में उठ करके दीदी आई दीदी सबसे पहले क्या करके आई होगी ब्रश इफ एनी दीदी क्या करके आई होगी ब्रश चलिए सबसे पहले उठाता हूं कोलगेट का एग्जाम्पल कोलगेट आज का सबसे पहला केस स्टडी कि क्यों सब्जेक्ट में हमारा इंपॉर्टेंस है इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए मोर देन 62 केस स्टडी डील करने वाले कितने 62 और बाद में आपको सब्जेक्ट के बारे में और भी चीजें बताऊंगा बट शुरुआत ही करते हैं मैनेजमेंट से कि स्ट्रेटेजी में हमारा रोल क्या है और ये सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है अगर आप हिंदुस्तान को देखें तो यहां पे हम हमेशा से रिच कल्चर में रहे अग्री, अग्री हिंदुस्तान को हमेशा से सोनिया की चिड़िया कहा गया अग्री डिसग्री बिल्कुल अग्री अब ऐसे केसेस के अंदर में हमारा ब्रश करने का सिस्टम क्या था इंडिया का कोई एक्सप्लेन कर सकता है आपने अपने जितने वृद्ध व्यक्तियों को देखा होगा सबसे पहले नीम यानी इंडिया का कल्चर सबसे पहले ब्रश करने का कायका था नीम की लकड़ी को लिया जाता था बिकॉज दैट इज टू बी द बेस्ट आज कोई भी बाबा अगर टूथपेस्ट भी बना रहा है तो वो भी कहता है इसमें नीम के गुण हैं वो तो अच्छा हुआ कुछ प्रोडक्ट वो अब तक हर्बल नहीं बना पाए वो तो अच्छा हुआ कुछ प्रोडक्ट अब तक वो हर्बल नहीं बना पाए नहीं तो खैर वो भी बना ही देते मैं बात कर रहा हूं पेंसिल की स्टेशनरी कहां है अब तक उनकी देखो पहले दिन कोई गंदगी नहीं करेगा और सुबह सुबह तो बिल्कुल नहीं ठीक है समझ के चल लेना अब नीम से ब्रश किया जाता था मतलब देर वॉज नो ब्रिसल ब्रिसल्स देर वॉज नो ब्रिसल्स और नीम को उठाया जाता था उसे छिला जाता था और ब्रश किया जाता था इसके बाद एक कंपनी आई कंपनी का नाम था डाबर यानी सबसे पहले नीम यूज किया जाता था नीम के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी आई डाबर डाबर के साथ साथ एक और कंपनी थी जो बहुत चलती थी कैन एनी बड़ी गैस न एनी बडी गेस वी को नहीं रे कोलगेट चल बैदनाथ सुना है कभी इस कंपनी के बारे में कंपनी इज अ नागपुर बेस्ड कंपनी और आयुर्वेदिक एंड फार्मा प्रोडक्ट्स के अंदर में डील करती है इन दोनों के अंदर में एक जंग छिड़ी इन्होंने ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टूथब्रश को क्या किया चेंज किया और सबसे पहले ब्रश को लेकर के आया पाउडर फॉर्म में ये दो ऐसे लोग थे जो केमिकल के साथ ब्रश को यूज किया करते थे मतलब केमिकल्स यूज किया करते थे तो टूथपेस्ट बनाने के लिए एज अगेंस्ट दिस रूरल इंडिया अगर आपको याद हो तो वो यूज करता था टबैको क्या यूज करता था टबैको अगर आपको याद हो आज भी रूरल इंडिया के अंदर में कई जगह पे टबैको या इसे अलग शब्दों में स्नफ कहा जाता है राइट right? या अलग शब्दों में एक कंपनी आती है बटुक करके अगर आपने देखा होगा रूरल इंडिया में ब्लैक कलर का स्नफ होता है राइट right? हमारे घर के जो बहुत ओल्ड लेडीज होंगे ना ये लोग क्या करते होंगे देखना आप तंबाकू है तंबाकू को जलाते थे इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाते थे और इससे एक टूथपेस्ट बनता था जो घर के अंदर ही बनता था और इसे यूज किया जाता था हालांकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एडवर्टीजमेंट ने अपना अलग रोल प्ले किया डाबर बैदनाथ और टबैको इन तीन चीजों के अंदर में जंग छिड़ी अब इन तीन चीजों में जब जंग छिड़ी डाबर ने सबसे पहले स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लगाया पहली बार डाबर ने क्या किया डाबर ने एक्टर्स को यूज किया और एक्टर्स को यूज करके एडवर्टीजमेंट बनाई जिससे डाबर किसके आगे निकल गया बैध्यनाथ और टबैको के आगे निकल गया बट खैर टबैको कोई कंपनी नहीं थी इट वॉज अ प्रोडक्ट तो इनमें कभी कंपटीशन वाला गेम नहीं था लेकिन रूरल इंडिया के मन से क्या हटाने की जरूरत थी टबैको ऐसे केसेस में डाबर ने एक्टर्स का यूज किया हम सब जानते हैं एक्टर्स या सेलिब्रिटीज ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे हम क्या होते हैं इन्फ्लुएंस इसीलिए कहीं ना कहीं आज के तारीख में इन्हें क्या कहा जाता है इन्फ्लुएंसर्स भी कहा जाता है एक्टर्स का इस्तेमाल किया और यहां से एक बहुत बड़ा ब्रांडेड प्रोडक्ट बन के बाहर आया एनी बड़ी डाबर लाल दंतमंजन याद है डाबर लाल दंतमंजन हर घर की पसंद हर शादियों की पसंद डाबरलाल दंतमंजन दे अब इस टाइम पे एक बड़ी कंपनी इंडिया में कदम रखती है इंडिया हमेशा से हर तरह की कंपनी के लिए एक फेवरेट स्पॉट रहा है पूछो क्यों दो रीजन की वजह से हमारी सबसे बड़ी ताकत ही हमारी पॉपुलेशन भी है यस और नो हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा पॉपुलेशन है और जहां जहां पॉपुलेशन होती है वहां वहां कंपनी कंजम्पशन और कंज्यूमर दोनों देखती है क्या क्या कंजम्पशन और कंज्यूमर दोनों देखती है इस बीच इंडिया को समझ में आता है कि यार एक बहुत बड़ा स्कोप दिख रहा है इंडिया के अंदर में और यहां पे एक कंपनी एंटर करती है कंपनी का नाम क्या बनता है कोलगेट कोलगेट आते ही इंडिया में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था बिकॉज कोलगेट प्योरली बना था केमिकल कंपोजिशन के थ्रू राइट द देन व्हाइट कलर का डब्बा आता था व्हाइट और रेड पुराने टाइम पे आपने बचपन में शायद देखा होगा छोटा सा डब्बा रहता था जब कोलगेट ने पहली बार इंडिया के अंदर में कदम रखा उसने देखा कि भैया यहाँ पे तो लाल से ऊपर कोई आ ही नहीं रहा लाल दंतमंजन थोड़ा सा हाथ पे डाला चालू पड़ गए लोग यहाँ पे ब्रश नाम का सिस्टम नहीं है लोग ने अपनी उंगलियों को ही इस्तेमाल कर रखा है बहुत से कामों के लिए मेरी बात सुनो अरे और आप ब्रश कैसे आपको लगता है हम यूज करते थे ब्रश यूज करते थे नहीं लोग कहते थे बड़े बड़े उपयोगी हो गए यार बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग तो सो लोग उठाते थे ब्रश करना चालू करते थे कोलगेट ने ऐसा क्या किया कि लोग डाबर लाल से सबसे पहले कोलगेट पर शिफ्ट हुए पहली स्ट्रैटेजी समझाता हूं सबसे पहले इन्होंने लोगों को घर पे ये प्रोडक्ट देना चालू किया जाहिर सी बात थी डाबर ने एक्टर्स को यूज करना चालू किया तो कोलगेट ने मार्केट में आते ही अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या चालू किया अगेन एक्टर्स का यूज करना चालू किया और मार्केट में एडवर्टीजमेंट करना चालू किया एडवर्टीजमेंट तो हो गई लेकिन इस प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आई इन द अर्लियर ईयरस क्या हुआ प्रॉफिट जनरेट नहीं हो पाए इन्होंने अपनी एक टीम बैठाई विच कंप्राइजेस ऑफ एमबीए एमबीएस एटसेट्रा मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स बोला यार क्या किया जाए इस चीज को करने के लिए द फर्स्ट सजेशन विच केम आउट वॉस टू अप विथ होटल्स उन्होंने कहा कि सर अगर आपको लोगों तक के ये पहुंचाना है अगर आपको लोगों तक के पहुंचाना है सबसे पहले इसके सैंपल्स बनाओ और सैंपल्स बना करके होटल एक ऐसी जगह है लोग जहां आते हैं और टेम्पररी बेसिस के ऊपर एक दिन दो दिन पांच दिन आवर्स डिपेंडिंग अपॉन द केस आते हैं और इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं उन्होंने सबसे पहले इसे होटल में रखना चालू किया और होटल भी ऐसी-वैसी नहीं सबसे पहले इन्होंने हाई क्लास को टारगेट करते हुए द दे देन इंडिया के फाइव स्टार थ्री स्टार टू स्टार उस जमाने में जो भी रहे इसमें रखना चालू किया पहली बार जब लोगों ने इसको टेस्ट किया तो उनको थोड़ा सा अजीब टेस्ट लगा रीजन में वो काय के ऊपर थे डाबरला जो बिल्कुल चटक मुंह में एक अजीब सा सेंसेशन देने वाला और यह बिल्कुल अलग जो मिंट का फ्लेवर दे रहा था थे अगेन दोनों भी पाउडर फॉर्म में ही लेकिन लोगों को कुछ नया ट्राई करने का मौका मिला पहली बार फ्री सैंपल बांटा फ्री सैंपल बांटने के बाद इन्होंने क्या किया इन्होंने बोला यार पाउडर तो बेच के बहुत देख लिया पाउडर में कुछ बन नहीं रहा पाउडर बेच के बहुत देख लिया पाउडर में कुछ बन नहीं रहा इसे कुछ डिफरेंट फॉर्म में करना पड़ेगा इन्होंने क्या फॉर्म लेकर के आया पेस्ट पेस्ट फॉर्म में लेकर के आया और इस पेस्ट को उन्होंने ब्रश के साथ देना चालू किया उन्होंने बोला देखो यार लोगों का आज प्रॉब्लम क्या है उंगली 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 इसके साथ साथ ब्रश देना चालू किया और पहले जो ब्रश बांटे वो फ्री बांटे अगेन वही स्ट्रेटेजी के थ्रू होटल्स में जाएंगे होटल्स में छोटे से पेस्ट के साथ आज भी देखो आप होटल्स में ही चलता है छोटे से पेस्ट के साथ हम ब्रश दे देंगे आपको तो पता है हम इंडियन है जाओगे वहां जो भी फ्री एक्सेसरीज रखी है इस पर आपका हक है समझ रहे हो उठाओगे अच्छा लगेगा नहीं नहीं हक है उसको लेके ही जाना है है ना वहां पे जो चाय के सासे पड़े हैं परफ्यूम पड़े हैं ये सब हम लेके जाएंगे धीरे धीरे कंपनी ने धीरे धीरे कंपनी ने क्या करना शुरू किया एक से दो, दो से पांच पांच से दस एक सिटी से दूसरे सिटी ऐसे अलग अलग होटल्स के अंदर में फ्री सैंपल फ्री डिस्ट्रीब्यूशन देने चालू किए और जब फ्री की आदत लग गई जब फ्री की आदत लग गई तब जाकर के उन्होंने क्या किया इसका चार्ज करना शुरू किया लेकिन अब भी वो प्रॉफिट्स नहीं बन रहे थे जो प्रॉफिट्स बनने चाहिए इट वॉज द एडवाइस इट वॉज द एडवाइस बाय एम बी ए के सर आप एक और एडवर्टीजमेंट चलाओ ब्रश करने के फायदे बताओ भाई ब्रश करके आया ब्रश करने के फायदे बताओ कि भैया ब्रश करने से क्या फायदे होने वाले देखो एडवर्टीजमेंट डाबर भी कर रहा था एडवर्टीजमेंट कोलगेट भी कर रहा था लेकिन दोनों के बीच में फर्क क्या किया एडवर्टीजमेंट के फायदे बताओ आज अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें किसी भी टूथपेस्ट की एडवर्टीजमेंट को तो वहां पे डांस गाना नाच गाना के अलावा एक और चीज बताते कि इस पेस्ट को करना कैसे है कितने बार करना है सेंसोडाइन का टूथपेस्ट का एड देखा है कभी ब्रश ट्वाइस ये जो ब्रश ट्वाइस का कंसेप्ट था यह पहली बार किसने निकाला कोलगेट क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रहा था कोलगेट जितने फ्री सैंपल्स बांट रहा था कॉस्ट तो लग रही थी लेकिन आउटपुट निकल रहा नहीं था अब ऐसे केस में आउटपुट बढ़ाने के लिए करना क्या है आउटपुट बढ़ाने के लिए करना क्या है तो एमबीएस थे जिन्होंने पहली बार इन्होंने बोला कि भैया एडवर्टीजमेंट का तरीका बदलो ब्रश ट्वाइस इस एक एडवाइस से कंपनी को रेवेन्यू जनरेशन चालू हुआ क्योंकि सेल्स मल्टीप्लाई हुए लोगों का थॉट बदला आप मुझे एक बात बताइए लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां दिमाग में सेट होता है डेटॉल कितने परसेंट कीटाणु मारता है कभी सोचा तुमने टेस्ट किया 99.9 इतने तो तुम्हारे परसेंटेज नहीं थे जितने उसने मार दिए तुमको कैसे पता 99.9 ही मार रहा है और अगर इतना ही मार रहा था तो कोरोना क्यों नहीं मार पाया सर वो पॉइंट जीरो वन में आता है आपके दिमाग में ना हेमर किया गया समझ मार आपके दिमाग में क्या किया गया हैमर किया गया उस चीज को ये 99.9 परसेंट जर्म्स मारे जा रहे हैं बराबर है आपके दिमाग में हैमर किया गया बस जरा सा लक्स समझ मारे क्यों भाई लक्स को यहां जरा हाँ, सा लक्स आपके दिमाग में क्या किया गया मालूम है हैमर बस जरा सा लक्स और इधर ही क्यों इधर क्यों नहीं इधर क्यों नहीं कभी सोचा ये एडवर्टीजमेंट में सिर्फ दीदी ही क्यों दिखाई जाती है साबुन लगाने का सारा हक महिलाओं को दिया गया पुरुषों को क्या लाइफ बॉय सिंथल खत्म समझ में आ रहा है बात आप देखो कैसे हमारे दिमाग के साथ खेला जा रहा है बस जरा सा लक्स अरे क्यों? अच्छा ऐसी साबुन जिससे आर पार दिखता है कौन सी साबुन है कैसे पता तुम्हें क्या किया गया हैमर किया गया तुम्हारे ऐसी साबुन अबे कुछ कांच है देखना को दिखने वाला है उससे ऐसे बता रहे हो चश्मा और कुछ आर पार ही दिख जाएगा आप समझ मतलब आपके दिमाग अब मेरे को एक बात बताओ कितने लोग कभी अगर नहाए होंगे पियर से तुमने सच में उसको ऐसे लेके देखा है देखने का नजरिया बदला है तुम्हारे तुम्हारे देखने का नजरिया बदला है कभी अगर अच्छे से नहीं दिखे चश्मा भूल गए पियर्स लेके आओ नहीं अरे कौन करता है ऐसा पर इन्होंने किया इन्होंने क्या फंडा अपना अपनाया ब्रश ट्वाइस कंपनी में प्रॉफिट जनरेट होने शुरू हुए ध्यान से सुना अब यहां है यहां है, है गेम की तुम्हारी जरूरत का है कंपनी में प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हुए सभी लोगों ने ताली बजाई वाह भाई ये होते हैं प्रोफेशनल्स एम कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाया इतने सालों का लॉस रिकवर किया हाँ बेटा हम भी वो फील्ड से आते हैं अब ब्रश थ्राइस तो बोल नहीं सकते थे एक गेम तो उनने जीत लिया अब बोल तो नहीं सकते थे नेक्स्ट मीटिंग हुई क्योंकि कंपनी फ्री सैंपल्स कंटिन्यू कर रही थी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए पेस्ट फॉर्म में बना रही थी पाउडर फॉर्म में बनाने के लिए इतना ज्यादा कॉस्ट नहीं लगता था जितना पेस्ट फॉर्म में बनाने के लिए लगता था क्योंकि पेस्ट फॉर्म में बनाने के लिए अगेन इनका स्टोरेज साइजेस एटसेट्रा सब डिफर हो रहे थे अब करे तो करे क्या फिर हाई लेवल मीटिंग बैठी कंपनी के प्रॉफिट बढ़ाना है बोले कंपनी बहुत लॉस इनकर कर रही है कंपनी एडवर्टीजमेंट्स में बहुत पैसा खर्चा कर रही है उसके बाद में अगर आप देखोगे तो डाबर डाबरलाल दंतमंजन मस्त एक छोटे से प्लास्टिक के डब्बे में आता था जबकि कोलगेट टिन के डब्बे में आता था कॉस्ट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है अरे हाँ या ना कॉस्ट बढ़ रही है एडवर्टीजमेंट्स बढ़ रहे हैं तो इसकी रिकवरी कहां से होगी फिर मीटिंग बैठी बोले कराए चो का इसको रिकवर कहां से करोगे नाउ प्रोफेशनल्स एमबीएस मैनेजमेंट बताओ बता नहीं पड़ा कॉस्टिंग ओ कॉस्टिंग नहीं पड़ा ये बोले एमबीएस आप बताइए कैसे निकालेंगे प्रॉफिट कैसे करेंगे सर एडवर्टीजमेंट अरे वो तो ऑलरेडी कर रहा है प्रॉफिट बताओ सर कॉस्ट बढ़ा दो पागल हो गए दिमाग खराब हो गया अगर कॉस्ट बढ़ा देंगे तो सेल्स और मुश्किल हो जाएगा जबकि डाबर बैद्यनाथ और लोकल प्रोडक्ट्स ऑलरेडी कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं ये और मुश्किल हो जाएगा करोगे क्या अपना भाई बैठा है भाई को पता था कि जब किसी की आवाज नहीं निकलेगी तो हमारे जवाब निकलेंगे उन्होंने बोला मैं ही थोड़ी नहीं ये भी तो पैसा ले रहे हैं इनसे पूछो ये चल चुप बैठ हम लोगों को एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कॉस्टिंग करेक्ट और नॉट अभी हम लोगों को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कॉस्ट मैनेजमेंट अब ऐसे सब्जेक्ट ने हम एक चीज सिखाई जाती है एक छोटा सा कंसेप्ट कैसे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गया हाउ एंड वाई वी आर रिक्वायर्ड इन कंपनी और कैसे हमें एक छोटे से एडवाइस के कारण हम किसी कंपनी का स्ट्रेटेजी बदल के इसके प्रॉफिट चेंज कर सकते हैं इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल यह था सर जस्ट गिवे मिनट Again. इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल ये था सर कि आप वाइज कर सकते थे क्या जल्दी बताओ ब्रश वाइज के अलावा कुछ पॉसिबल था क्या नहीं थ्राइस तो बोल नहीं सकते थे कि भाई दिन भर एक काम करो करते बैठो एक छोटा सा एडवाइस अगर आपको याद हो या आपने कभी देखा हो जो टूथपेस्ट का सबसे सामने वाला होल होता था ना ये पहले होता था बारीक मतलब पतला इसके साइज में एज अ प्रोफेशनल सपोज दिस इज द टूथपेस्ट ये एकदम पतला सामने का यूनिट हुआ करता था प्रोफेशनल ने एक ही एडवाइस दी इंक्रीज दिस टूथपेस्ट और लोगों के मुंह से निकली बात ये दो ही ऐसी चीजें जो एक बार निकल जाए तो वापस अंदर नहीं जा सकती बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ मालिक उन्होंने बोला भैया इस सब्जेक्ट की क्या बढ़ा दो यूजेबिलिटी बढ़ा दो है ना कि उसके मुंह से निकली हुई बात आई जस्ट लाइक यू एज ए फ्रेंड और यहां से निकला हुआ टूथपेस्ट ये कभी वापस जा सकता नहीं उन्होंने बोला आप पर यूजर कंजम्पशन तो बढ़ा सकते हो अगर सेल नहीं बढ़ा सकते तो पर यूजर कंजम्पशन तो बढ़ा सकते हो पर यूजर कंजम्पशन बढ़ा दो जब पर यूजर कंजम्पशन बढ़ जाएगा आपने अगर देखा होगा अचानक से बाहर आ जाता आदमी निकाल कर ले थोड़ा तू ले ले। सेल्स ले ले। बढ़ गए, जब बढ़ गए तो सी बढ़ और सेल्स बढ़ने से अल्टीमेट इफेक्ट कहा उठा करके इन्होंने हेयर ऑयल पे लगाया सेम कंसे उठा करके हेयर ऑयल पे लगाया अगर आपने देखा होगा पैराशूट में ऊपर सबसे पहले क्या आता था एक छोटा सा सिर्फ लेड आता था उसको उन्होंने चेंज किया, उसको उन्होंने चेंज किया किया उसको उसको उन्होंने थोड़े से से ब्रॉड कर दिया लोगों का समझ में भी नहीं आया और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो गई सेम चीज सेम चीज उठा करके इन्होंने अलग 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 अलग, अलग कंसेप्ट के अंदर में लगाना शुरू कर दिया एंड द the देन जाकर के कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई मतलब हमारी जरूरत या हमें ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है हमें सब्जेक्ट इसलिए पढ़ाया जा रहा है बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट जब मैनेजमेंट का डिस्कशन होता है कि भैया इसे कैसे इंक्रीज किया जाए इसमें हमारा एक बहुत एक्टिव रोल होता है और यह एक्टिव रोल ही हमें सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मजबूर करता है हमारा डिस्कशन चालू हुआ था कि भैया ये सब्जेक्ट क्यों हमें पढ़ाया जा रहा है क्यों पढ़ाया जा रहा है क्योंकि हमारा एक एडवाइस कंपनी के कई सालों के प्रॉफिट्स या कंपनी को लॉस मेकिंग से काम में कन्वर्ट कर सकता है प्रॉफिट मेकिंग चलिए आइए दूसरा कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं ब्रश के अलावा हो सकता है कुछ लोग आज नहा के आयो से यस नहा के कितने नहा के आए जो नहीं भी नहा के आए होंगे उनने भी हाथ खड़े किए ठीक है ठीके? चलो ठीक है ऑलमोस्ट सब नहा के आए नहा के आने के बाद इंडिया में एक और चीज होती है वो होता है तेल लगाओ क्यों ऑब्जेक्टिव नहीं मालूम बट लगाना है ठीक है आपने कभी पूछा नहीं क्यों लगाया जाता है पर लगाना है अब इस तेल को लेकर के एक बात करते हैं इंडिया का सबसे ज्यादा स्टेक कौन हैंडल करता होगा आपके हिसाब से पैराशूट यस ब्लू कलर का बॉटल हमारे बचपन से लेके जवानी तक के देख रहे हैं और शायद हमारे बच्चे भी देखेंगे ठीक है आप मुझे एक बात बताइए पैराशूट होना क्या चाहिए हेयर ऑयल हाँ या हाँ पैराशूट होना क्या चाहिए मालिक हेयर ऑयल इज इट हेयर ऑयल कौन सा ऑयल है ये एडेबल ऑयल एडेबल ऑयल मतलब पैराशूट को क्या किया गया है बताया गया है कि वो खाने का तेल है हम क्या कर रहे लगा रहे इसके पीछे भी हमारा ही एक एडवाइस है एक छोटा सा फायदा क्या हुआ फायदा यह हुआ कि कंपनी ने बहुत बहुत सारा टैक्सेस सेव किया ऑयल के ऊपर जहां पे देन सेल्स टैक्स ज्यादा हुआ करता था एक्साइज ड्यूटी ज्यादा हुआ करता था वही एडिबल ऑयल खाने का तेल क्योंकि रोजमर्रा की जरूरत की चीज थी वो कम हुई क्या बिलीव करेंगे कोर्ट में इसे प्रूव करने के लिए मात्र दस मिनट लगे कि पैराशूट एक हेयर ऑयल नहीं एडिबल ऑयल है पूछो कैसे उन्होंने बताया केरला कर्नाटका और इंडिया का साउथ का बहुत बड़ा रीजन कोकोनट ऑयल में क्या करता है बेकिंग करता है मलेशिया साउथ अफ्रीका और ऐसे अन्य कई देश क्या करते हैं कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए सो कोकोनट ऑयल इज अ एडिबल ऑयल एंड नॉट अ हेयर ऑयल आप इसे हेयर ऑयल बोल के यूज कर सकते हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग आप इसे हेयर ऑयल बोल करके यूज कर सकते हैं दैट्स डिफरेंट थिंग फायदा क्या हुआ कंपनी ने करोड़ों रुपए सेव करते आए कई सालों से सिर्फ इस कंसेप्ट के नाम पे थर्ड एग्जांपल थर्ड एग्जाम्पल आप सभी के लिए एनी बडी किटकैट इज अ चॉकलेट और अ वेफर किटकैट इज अ वेफर क्या आप बिलीव कर सकते हैं जो आप ऐसे तोड़ के खा रहे हैं बराबर है वो टेक्निकली एक चॉकलेट नहीं वेफर है क्योंकि ये प्रूव कर दिया गया कि वो एक वेफर है चॉकलेट के फ्लेवर का वो एक वेफर है किस फ्लेवर का चॉकलेट फ्लेवर का अगेन अगर ये वेफर होता तो सॉरी अगर ये चॉकलेट होता तो इसके ऊपर लगने वाली जो एक्साइज ड्यूटी होती ये ज्यादा होती और वेफर होने के कारण इसके ऊपर जो ड्यूटी है ये कम है सो इट इज दैट पर्टिकुलर रीजन जिसके कारण हमें रखा जाता है वी आर ऑलवेज केप्ट एट मैनेजमेंट टू गिव अ एडवाइस टू गिव अ एडवाइस कि आप किस तरीके से कर सकते हैं आपको दिया गया है वी ऑल नो न्यू सिलेबस आ रहा है क्या आपको पता है इट इज एक्सपेक्टेड कि न्यू सिलेबस के अंदर में ईआईएस तो नहीं है पर एसएम को कंटिन्यू किया गया है इज फॉर द सेम रीजन क्योंकि आपको मैनेजमेंट के अंदर में होना पड़ता है तो यू मस्ट नो हाउ इट वर्क दूसरी इंपॉर्टेंट बात फाइनल के ऊपर भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को ला रहे हैं अंडर द न्यू सिलेबस अंडर द न्यू सिलेबस फाइनल के ऊपर भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को ला रहे हैं मतलब हो सकता है बाय दैट टाइम अगर आप न्यू सिलेबस में भी स्विच करें तो ये सब्जेक्ट का कंटेंट आपको न्यू सिलेबस के अंदर में फाइनल लेवल पे भी काम आने वाला है समझ में आ रही बात अब तक के क्या होता था था मैनेजमेंट मैनेजमेंट को कहां रखा जाता था, मैं आपको सम पोर्शन ऑफ एट फाउंडेशन के आप अगर फाउंडेशन में न्यू सिलेबस से आए होंगे तो आपने देखा होगा बीसी का कुछ पार्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का था फाउंडेशन से बीसीके को हटाया जा रहा है कहा डाला जा रहा है फाइनल विद द ऑब्वियस रीजन कि हमारा रोल मैनेजमेंट के अंदर में होता है सो so, पहला केस स्टडी हम लोगों ने देखा डाबर कोलगेट हाउ कोलगेट एंड व्हाट डट कोलगेट डिड टू यू नो एनकैश द डाबर नेम एंड फेम आइए सब्जेक्ट के बारे में कुछ आपको डिटेल्स बता दूं। आई होप आप लोगों ने रजिस्टर लाया होगा चलिए मैं सभी बच्चों से पूछना चाहता हूं खैर मेरे से ज्यादा तो अभी ये सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया ई आई एस और एस एम कितने कितने मार्क्स के लिए है यस yes. तो चलिए अगर आपने रजिस्टर लाया होगा सबसे पहले कुछ बातें लिख लीजिए सर ई आई एस और एस एम ये अगेन फिफ्टी मार्क्स के लिए ये अगेन फिफ्टी मार्क्स के लिए मेरा बच्चा मुझे बताएगा सर दोनों को एक साथ सॉल्व करना है या सेपरेट क्वेश्चन शीट मिलती है यस सो यू गेट सेपरेट आंसर शीट ये सारी चीजें आप जान मुझ करके लिखेंगे मेरे साथ ठीक है ये सारी चीजें लिखो मेरे साथ तो सबसे पहले ई आई एस एस एम फिफ्टी फिफ्टी मार्क्स अच्छा मैं मेरे बच्चे से तीसरी चीज पूछना चाहता हूं क्या इसमें आपको एमसीक्यू भी है या सिर्फ थ्योरी है कितने परसेंट का एमसीक्यू है ओवरऑल थर्टी परसेंट यानी क्या मैं कह सकता हूं अगर ये हंड्रेड मार्क का है तो इसमें से फिफ्टीन मार्क्स का क्या आ सकता है एमसीक्यू एंड रेस्ट थर्टी फाइव मार्क्स का क्या आ सकता है थ्योरी अच्छा ये जो एमसीक्यू आएंगे ये नॉर्मल एमसीक्यू है या केस बेस्ड एमसीक्यू इट विल बी अ केस बेस्ड एमसीक्यू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आपको कोई ना कोई सिचुएशन दी होगी किसी कंपनी का डिटेल दिया होगा और उससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड ही एमसीक्यू पूछे जाएंगे तो आपके जो एमसीक्यू भी होंगे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड ही होंगे यस yes? तो आप ये मान के चलिए अच्छा जी सर क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में अमेंडमेंट नाम की कोई चीज आती है सर सर इसमें अमेंडमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती एस सच कुछ है ही नहीं अमेंड करने के लिए कोई सेक्शन ही नहीं है कोई एक्ट ही नहीं है चौथी बात सर सर मैं जानना चाहता हूं सर नंबर ऑफ टॉपिक्स कितने हैं सर सर नंबर ऑफ टॉपिक्स कितने हैं सर आठ जान मुझ करके ऐसे लिखे देर आर एट टॉपिक्स आठ टॉपिक है सर सर आठ टॉपिक में से सबसे बड़े टॉपिक कौन कौन से हैं? चैप्टर नंबर टू सबसे बड़ा है चैप्टर नंबर सिक्स सबसे बड़ा है एंड देन चैप्टर नंबर एट सबसे बड़ा है यानी आउट ऑफ दिस एट टॉपिक तीन टॉपिक्स बड़े हैं बाकी सारे छोटे हैं सर किस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए सीक्वेंस टू स्टडी हमें किस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए इन टॉपिक को सबसे पहले आप चैप्टर नंबर वन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर वन से आप जाएंगे चैप्टर नंबर थ्री के ऊपर क्योंकि दोनों कनेक्टेड टॉपिक है चैप्टर नंबर थ्री से आप जाएंगे फोर फाइव एंड सिक्स के ऊपर यानी पहले पढ़ेंगे आप चैप्टर नंबर वन चैप्टर नंबर वन से आप जाएंगे चैप्टर नंबर थ्री चैप्टर नंबर थ्री से आप जाएंगे चैप्टर नंबर फोर फाइव एंड सिक्स यहां से जाना है सेवन और यहां से जाना है एट अगर आप इस सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो आप सबसे बेहतर तरीके से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मार्क्स लेके आ पाओगे बहुत इजी बहुत अच्छे से यस सर चैप्टर नंबर टू कहां आएगा इसके बाद रीजन एक बार आपने तीन लेवल ऑफ मैनेजमेंट समझ लिए चैप्टर नंबर फोर चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर, नंबर सिक्स, तीन लेवल ऑफ मैनेजमेंट है कॉर्पोरेट लेवल लेवल फंक्शनल एंड बिजनेस लेवल ये तीन लेवल ऑफ मैनेजमेंट समझने के बाद आप चैप्टर नंबर टू पे जाएंगे चैप्टर नंबर से आप सेवन पे जाएंगे और सेवन से आप कहा जाएंगे एट पे सर इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए रिविजन आवर्स कितने देने हैं कितने रिविजन आवर्स देने पड़ेंगे पहले ही दिन ये बता रहा हूं कि कौन से टॉपिक को कितने दिन का कितने मिनट का रिविजन देना है फायदा यह होता है क्योंकि ये बच्चा मेरे से एंड में पूछेगा हम अब अप्रोच डिफरेंट है अब हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं अब हमारा थियोरी सब्जेक्ट है तो वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड कि कौन से टॉपिक को कितना रिलेवेंट देना है यू you नो know, एक बात हो सकती है वो ऐस, ऐसा होता है ना वो दीदी हमेशा पूछती है सर जैसे ई में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे इतने टॉपिक को इतने मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है क्या यहाँ पे भी ऐसा है पूछो भाई मेरे से पूछो क्या यहाँ पे भी ऐसा है कि ये ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक क्योंकि मैंने आपसे कह दिया टू सिक्स और एट ये बड़े हैं तो क्या ऐसा है सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस मार्क से आएंगे पूछो ना चाय पिलाओगे तो बताऊंगा पिलाओगे चाय तुमने डीटी में भी नहीं पिलाई थी मेरे को भरोसा तो है नहीं तुम पे अच्छा मेरी पार्टी भी बाकी होगी है ना हाँ ठीक है मेरे को मालूम था बेटा अच्छा धंधे पे ध्यान देते तो सुनो every chapter has equal importance सर मतलब मतलब ये मतलब ये कि अगर आप पिछले चार attempt के अगर आप पिछले चार attempt के, के SM के question paper उठा करके देखे जो मैं analysis आपको आज बता रहा हूं हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आया है हर चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए एक तो आपको यहां पे ऐसा नहीं है

बोलो हिंट क्या है पूछो ना हिंट क्या है मालिक हिंट ये है कि आपके जो एमसीक्यू आ रहे हैं वो सिर्फ बड़े टॉपिक से ही आ रहे हैं मतलब ये जो बड़े टॉपिक है एमसीक्यू आपको हमेशा इन्हीं टॉपिक से बनने वाले हैं सो इंस्टीट्यूट क्या करेगा इन तीन टॉपिक पे एमसीक्यू रख के ये टॉपिक पूछ लेगा बचे हुए जो टॉपिक है इनसे आपके थ्योरी क्वेश्चन पूछ लेगा

कौन से टॉपिक को कितने रिविजन आर्स देने चाहिए सो so, अगर हम जाएं के सर एक टॉपिक कितने मिनट दिए जा सकते हैं चैप्टर नंबर वन यू विल अलॉट थर्टी मिनट्स चैप्टर नंबर वन

1 टू 1 एंड 1/2 आवर आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर नंबर 5 45 मिनट्स टू 1 आवर खत्म हो जाएगा मालिक खत्म आपका रिवाइज करके खत्म सर यार ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है मेरे को कुछ तो जीवन में 1 टू 1 एंड 1/2 आवर आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर नंबर 7 45 मिनट्स टू 1 आवर ये आपका रिवीजन टाइम है हाँ साहब मेरा नहीं आपका रिविजन टाइम है चैप्टर नंबर एट वन आवर टू वन एंड हाफ आवर यह है आपके पूरे आठ चैप्टर का रिविजन टाइम आपका इतने मिनट में सेल्फ स्टडी होना चाहिए इसका अगर आप देखोगे मैंने ये चीज कभी भी आपको डीटी में नहीं बताई मैं सीधा आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में यह चीज बता रहा हूं क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट का अप्रोच जो है ये ऑल टुगेदर क्या है बेटा डिफरेंट यस yes, इसी के लिए मैं आपको सबसे पहले पूरा एनालिसिस पार्ट बता रहा हूं कि ये इतना होगा अच्छा जी सर सर आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कौन कौन सी बुक काम आएगी सबसे पहले आपका एक रेगुलर बुक ये जो रेगुलर बुक है ये आपका क्वेश्चनर भी है ध्यान से सुनिएगा ये जो रेगुलर बुक है ये आपका क्वेश्चन भी है थियरी बात समझना सिंस हम पढ़ रहे मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं थेरी पढ़ते वक्त बेसिक डिफिकल्टीज क्या क्या आती है आपको जल्दी से बताओ पढ़ते वक्त बेसिक डिफिकल्टीज क्या क्या है सबसे पहला राइटिंग हमको यह नहीं पता कितना लिखना और क्या लिखना दो मार्क के लिए सेम कंसेप्ट को पूछे तो क्या लिखना चार मार्क के लिए उसी कंसेप्ट को पूछ ले तो क्या लिखना और छह मार्क के लिए उसी कंसेप्ट को पूछ ले तो क्या लिखना दूसरा और डिफिकल्टी क्या आती है इमेजिन करो लॉ तुमने पढ़ा है इमेजिन करो ऑडिट तुम पढ़ रहे हो इस क्वेश्चन कैसे आएंगे सबसे अच्छी बात स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में घूम फिरा के नहीं क्वेश्चन सीधा आता है तो कॉन्सेप्ट है तो सीधा आपको पूछ लेंगे जैसा स्वट एनालिसिस है तो question, तो दे विल आस्क द क्वेश्चन अप इज एनालिसिस खत्म एंड आर इट्स एडवांटेज वो विषय खत्म हो गया दूसरा पूरा पैराग्राफ दिया है तो इसमें से इंपॉर्टेंट वर्ड कौन से जो आने ही चाहिए हाँ यहाँ हा यह डिफिकल्टी मैंने आपकी दूर कर रखी है जब आप अपने नोट्स देखोगे तो ऑलरेडी आपको वर्ड अलग तरीके से कलर करके दिए है ये वो वर्ड है जो आपके आंसर में आने ही चाहिए तो इतनी मेहनत आपकी बच गई हाईलाइटर का जो पॉइंट था ये आपका स्ट्रेट अवे बच गया तीसरा सर तीसरा पार्ट आपका रहेगा तीसरा पार्ट जो आपका रहेगा वो क्या होगा बोलो जज की मोमेंट तीसरा पार्ट जो आपका रहेगा वो ये होता है के सर एक जगह कंपाइल करना आज तक के जितने थेरी क्वेश्चन पूछे हैं हाँ या ना उसका भी टेंशन नहीं है जब आपकी ये बुक बनी जब आपकी ये बुक बनी तो इसके अंदर में हमने क्वेश्चनर भी इंक्लूड किया और बस मैं आपके सामने ओपन करके दिखा रहा हूं कि ये क्वेश्चनर है कैसा जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हो रहा है ध्यान से सुनिए जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हो रहा है चैप्टर खत्म होते ही आपको क्या दिया गया है इसके क्वेश्चन एंड आंसर दिए गए क्योंकि मेरे को एक चीज बहुत समझ में आती है अच्छे से एज ए एवरेज स्टूडेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम थ्योरी पढ़ लेंगे हम कंसेप्ट समझ लेंगे लेकिन उससे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि लिखना कितना है एट दी एंड काम क्या है क्वेश्चन क्या आएगा और आंसर क्या आएगा नो इफ नो बट ओनली कट टू कट ये है आपका क्वेश्चन यह आंसर और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स को आया और कौन से अटेम्प्ट में आया वो यही लिखा हुआ है यानी हम सबसे पहले टॉपिक कंप्लीट करेंगे टॉपिक को हम लोग शॉर्ट नोट्स में लिखेंगे भी और तुरंत इसका क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे जो बिल्कुल उसी चैप्टर के पीछे लगा हुआ है तो यू डोंट नीड टू गो एनी फर्दर पूरे यहीं पे सब कुछ कवर किया गया है सर मुझे एक बात बताइए पहली चीज मिलेगी रेगुलर क्वेश्चन है और दूसरी चीज मिलेगी क्या एक और चीज चार्ट्स so, आपका रेगुलर बुक्स और चार्ट्स, ये दो चीजें होंगी सर चार्ट का क्या फायदा है इतनी बड़ी बुक एग्जाम से एक दिन पहले पॉसिबल नहीं है तो उस टाइम पर उठा करके चार्ट काम आएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात एस का जो मैराथन है ये आपके चार्ट से बनाया गया है मैं आपको बता दू एस का मैराथन ऑलरेडी रिकॉर्डेड है सात घंटे में पूरा एस डन है लेकिन वो समझ में तभी आता है जब आप ये पूरे पच्चीस दिन निकालते हो सर नंबर ऑफ लेक्चर्स सर नंबर ऑफ लेक्चर्स ट्वेंटी फाइव पच्चीस दिन में पैसा डबल राजू भाई की स्कीम है पच्चीस दिन में पैसा डबल इस लेक्चर के दौरान एक और चीज होगी वो होगी जिन कंपनीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इन कंपनीज के शेयर्स मैं आपको मेरे साथ एक चैलेंज देता हूं पच्चीस दिन अगर आपने ईमानदारी से मेरे साथ इन कंपनीज के अंदर में ट्रेड भी किया फाइनल का भी कॉस्ट निकाल के दूंगा फाइनल के भी क्लासेस का कॉस्ट निकाल के दूंगा ईमानदारी से बता रहा हूं बट प्रोवाइडेड आपको इसके साथ साथ में सही तरीके से सही टाइम पे ट्रेड करना पड़ेगा सर मान लो कोई क्वेरीज आती है तो वैसे क्वेरीज तो तुमने आज तक किया है इसमें भी नहीं पूछी समझा ही नहीं सर उसमें क्वेरी क्या पूछनी थी वो नहीं समझा सर हमको बाकी सब समझ में आ गया उसमें क्वेरी क्या हो सकती वो नहीं समझा सर अच्छा अब में से कोई ऐसा भी है इसको ई आई एस से बहुत बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई दोबारा लाइफ में कभी नहीं पढ़ना चाहेगा बहुत मैं मैं था उसमें से इसलिए बता रहा हूं दोबारा कभी नहीं पढ़ना चाहेगा हाँ होता है होता है सी आप हर एक को प्यार नहीं कर सकते बात समझ में मेरी बहुत डीप है आप हर एक को प्यार नहीं कर सकते तो कुछ चीजें ऐसी होती है हो सकता है ग्रुप वन में भी ऐसा कुछ रहा हो हो सकता है कहा एक, एक तो तो किसी ने कहा बहुत स्कोप है अब समझ में आ रहा है स्कोप कितना है फाउंडेशन के अंदर में जब आए थे लगता था हम पोपटलाल पत्रकार है मैं दुनिया हिला दूंगा अब पता चल रहा है हिल तो गए कुछ ना कुछ यस सो पच्चीस दिन लगेंगे पच्चीस दिन में आपको अगर कोई भी क्वेरीज होती है फेस टू फेस तो आप डेफिनेटली पूछ लो लेकिन इसके साथ साथ दिस इज द नंबर आप इसके ऊपर क्या कर सकते हो क्वेरीज पूछ सकते हो भैया सेल्स और अदर चीजों की अगर कोई क्वेरी है जैसे आपका लेक्चर जो आपको बैकअप मिल रहा है वो नहीं चल रहा ये है सेल्स का नंबर और साथ साथ में टेक्निकल प्लीज लिख करके रखना इधर उधर कुछ भी कॉल किया ओ, sorry, थिंकिंग विजय सर का टेक्निकल नंबर है देखो लग गया गलत हरकतें करना मत सो so ये टेक्निकल जब भी आपको बैकअप लेक्चर्स के अंदर में कोई तकलीफ आएगी या लेक्चर्स एक्टिवेट करने हैं, लाइव स्ट्रीमिंग में कुछ देखना है दिस इज द नंबर और याद रखें ये सारा एक टीम एक्टिवेट करती है तो ये 11 बजे से लेकर के 6 बजे तक के ही होता है सो so प्लीज मेक श्योर आप इस बीच में कॉल कर लें इज आ डन चलिए सो so, ये है आपका मोटे मोटे तौर पे कंटेंट के सब्जेक्ट कैसे जाएगा क्या जाएगा हम लिखेंगे भी और साथ साथ में इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे सर इसके साथ साथ टेस्ट पेपर मैं आपको अपफ्रेंड बता दूं ये आटो के आटो के टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर ऑलरेडी बन के रेडी है ऑलरेडी बन के रेडी है वी लर्न क्लासेस पे वी लर्न क्लासेस डॉट कॉम पे इसके ऑलरेडी टेस्ट पेपर बन के रेडी है पूरे के पूरे आटो टॉपिक के हम पूरे के पूरे जैसी टॉपिक खत्म होगा वो टेस्ट देंगे जैसी आप टेस्ट दोगे टेस्ट का सजेस्टेड आंसर भी मिल जाएगा हालांकि मतलब मिले वो डिफरेंट हो ये ऑनलाइन वालों के लिए है इज चलो मालिक अब चालू करते हैं कंटेंट पहला केस स्टडी हम सबने देखा था क्या बेटा ट एंड डावर लिखना नहीं था उसको बट अब जो बता रहा हूं वो आपको लिखना है सबसे पहले मैं दो वर्ड को अलग करने जा रहा हूं हम सबसे पहले जा रहे हैं एक वर्ड को तोड़ने मैनेजमेंट मैनेजमेंट दो वर्ड को अलग अलग तोड़ना है सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा मैनेजमेंट ये क्वेश्चन को चार बार एग्जाम में पूछा गया है ओनली वॉट इज मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के एट्रीब्यूट तो ये क्वेश्चन को चार बार पूछा गया है स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट दो वर्ड को अलग अलग करते हैं सबसे पहली बात मैनेजमेंट क्या समझ में आता है एकदम जनरल मैनेजमेंट मतलब क्या टू मैनेज सर टू मैनेज हम मैनेज कर क्या रहे हैं वैसे हम बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं पॉइंट टू बी नोटेड हम किसको मैनेज कर रहे हैं बिजनेस तो मैडम जैसे मैं एक प्रोफेशनल हूं सर्विसेज देता हूं मुझे मैनेजमेंट की जरूरत नहीं करेक्ट आपने बिजनेस कहा नहीं अब आप पलटने नहीं दूंगा एक मिनट आपने बिजनेस कहा क्या मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में यूज होता है या सर्विसेज में भी यूज होता है कैन यू प्लीज टेल मी टू एग्जाम्पल यहां सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजमेंट यूज हुआ या होता होगा कौन सी होटल इंडस्ट्री बिल्कुल सही होटल इंडस्ट्री को मैनेज करना जरूरी होता है कैन यू गिव मी एग्जाम्पल कि होटल में क्या मैनेज करना रहता होगा सर कैसे नहीं मैनेज करना रहता होगा सबसे पहले लोगों का आना लोगों का जाना दूसरी बात इनका फूड सर्विसेज तीसरी बात इनकी लॉन्ड्री सर्विसेज लॉन्ड्री इनकी कौन सी सर्विसेज लॉन्ड्री सर्विसेज राइट इसके बाद में होटल के अंदर में एनी अदर मैनेजमेंट जो होता है क्योंकि उनके अंदर में भी मैनेजर्स स्टाफ एचआर इनको मैनेज करना यानी एक बात तो समझ में आ गई मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस में नहीं है किसमें सर्विस इंडस्ट्री में भी अच्छा दूसरा एग्जाम्पल सर्विस इंडस्ट्री के मैनेजमेंट का वेरी गुड हॉस्पिटल सर हॉस्पिटल में अगेन मैनेजमेंट की जरूरत है हर टाइम पे अवेलेबिलिटी होना ऑक्सीजन की हर टाइम पे अवेलेबिलिटी होना मेडिकल इमरजेंसी की हर टाइम पे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए किसकी एम्बुलेंस की यस yes. और कोई क्या मैं रेलवे बोल सकता हूं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है मैनेजमेंट की जरूरत है क्या सबसे बड़ा मैनेजमेंट ही आज रेलवे का ही है

प्रॉफिट मेकिंग एज वेल एज नॉन प्रॉफिट मेकिंग दोनों में यूज होता होगा मैनेजमेंट छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं चलिए दूसरा केस लेते हैं आज का ही बींग मनुष्य बींग ह्यूमन क्या करता है ये कंपनी पहली बात कंपनी किसका है बिल्कुल सही सल सलमान भाई का सलमान भाई का ठीक है बींगूमन किन किन चीजों में है यह बताइए सो so, पहला पॉइंट तो यह हो गया मैनेजमेंट इज यूज इन बिजनेस एज वेल एज सर्विस इंडस्ट्री लिखते जाइएगा सर साथ, साथ में दूसरा मैनेजमेंट इज यूज बाय बोलो प्रॉफिट मेकिंग एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम्पल बींग ह्यूमन एग्जाम्पल ह्यूमन अब मेरी एक बात बताइए सर बींग ह्यूमन किन किन प्रोडक्ट्स में डील करती है लड़के बता पाएंगे क्या क्लोथ्स में डील करती है रिसेंटली परफ्यूम्स में उतरे हैं क्या मालिक क्या आप बता सकते हो परफ्यूम ब्रांड का नाम फ्रेश बराबर है तीसरा एक्सेसरीज में डील करती है फॉर एग्जाम्पल बेल्ट्स बैग्स एक्सेसरीज में डील करती है बराबर है और काम में डील करती है सर दे ऑल्सो वर्क इन साइकिल्स बराबर है चलिए आइए अब मैं आपको बताता हूं इसमें मैनेजमेंट कहाँ है आपको लगता है सलमान भाई इतने अवेलेबल है कि वो ये डिसाइड करते होंगे कि क्लोथ कैसे बनाना है उनका डिजाइन क्या होना चाहिए और उस पर ऑफर क्या लाना है नहीं अब मैं आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूं तो आपको नहीं लगता आपका ये जवाब तो ठीक है कि सलमान भाई इतने खाली तो नहीं है कि वो क्या कर सके क्लोथ का डिजाइन क्लोथ का मटेरियल एटसेट्रा डील कर सके यानी क्या मैं कह सकता हूं इसी कंसेप्ट से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ओनर एंड मैनेजमेंट इज वन एंड द सेम और डिफरेंट ओनर एंड मैनेजमेंट इज डिफरेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और यही चीज यही चीज हमारे हेनरी फ्योल साहब ने भी बताई थी तुम आज बता रहे उनने कई साल पहले बताई थी कि भैया मैनेजमेंट और ओनर आर डिफरेंट कंसेप्ट और इसी के लिए मैनेजमेंट को सेपरेट पढ़ा जाना चाहिए नॉट एज ए पार्ट ऑफ एनी अदर सब्जेक्ट मैनेजमेंट एंड ओनर इज डिफरेंट यह बड़ा हो कि एमसी क्यू बनेगा क्या आप मुझे बता सकते हैं बींग ह्यूमन का डिविजन कहां यह क्लोथ डिविजन कहा बनते हैं ये कपड़े कोई भी आइडिया जरा सा भी आइडिया ना बताओ ना पता है नहीं पता है नहीं पता है तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा बेटा ंग ह्यूमन क्लोथ्स नहीं बनाता वो सिर्फ उसे ब्रांडिंग रीब्रांडिंग करके बेचता है अब आप यह पूछेंगे कि सर फिर बनाता कौन है मंदाना ग्रुप यस yes. कभी भी अगर आप कभी भी अगर आपने बींग ह्यूमन के कपड़े पहने होंगे देखे होंगे जा करके टटोले होंगे तो आपको ऑलवेज पीछे एक लेबल मिलेगा जिसके ऊपर मंदाना ग्रुप लिखा हुआ होता है बींग ह्यूमन के कपड़े कभी भी बींग ह्यूमन नहीं बनाते वो सिर्फ इसे ब्रांड रीब्रांड करके बेचते हैं ठीक उसी तरीके से जैसे आप ब्रश करने के बाद एक लिक्विड आता है जिससे मुंह साफ किया जाता है इसे प्लाक्स बोला जाता है पर क्या आपको पता है कोलगेट प्लाक्स नहीं बनाता प्लाक्स बनाती है एक थाईलैंड की कंपनी उनबंतु थाईलैंड में बनता है प्लाक्स और इसके बाद कोलगेट इसे ब्रांड रिब्रांड करके बेचता है ठीक उसी तरीके से अब इस चीज को मैनेज करने के लिए देखिए ब्रिइ ह्यूमन अपने प्रोडक्ट को दे रहा है नो no डाउट अपने प्रोडक्ट को दे रहा है लेकिन क्या वो उसे मैनेज कर रहा है या मैनेज इसी एल्स बट मैनेजमेंट तो लगता होगा परचेस करने के लिए लगता होगा सेल करने के लिए लगता होगा मार्केट करने के लिए लगता होगा एडवर्टाइज करने के लिए लगता होगा फाइनेंस करने के लिए लगता होगा तो आप क्या कह सकते हैं मैनेजमेंट इज यूज बाय प्रॉफिट मेकिंग एज वेल एज नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन चलो तीसरी बात आप सभी से करना चाहूंगा फटाफट मुझे बताइए हमें एग्जैक्टली exactly मैनेज क्या करना है आप अब तक इसका सही जवाब नहीं दे पाए उन्होंने कहा बिजनेस को मैनेज करना ही गलत वर्ड है बट पता है आप लोगों ने इसे पढ़ा है इलेवंथ में पढ़ा है मैनेज किस चीज को करना है किसको आए ना आप सही जगह पे वी नीड टू मैनेज रिसोर्सेज हमें मैनेज क्या करना है वी नीड टू मैनेज रिसोर्सेस हमें रिसोर्सेस को मैनेज करना है हमें किसको मैनेज करना है मालिक रिसोर्सेस को मैनेज करना है आपको तो पता है मैं एवरेज बच्चा हूं मुझे समझता तो है नहीं एक बार में कैन यू प्लीज टेल मी वॉट आर द रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सही जा रहे हो सही जा रहे हो एनी बड़ी रिसोर्सेस कौन कौन से है फाइव एम बोला जाता था इसे अगर तुम्हें याद हो तो इसे फाइव एम कहा जाता था पहला मेन ना, अरे बहुत कहीं जाने की जल्दी है फिर क्यों भाग रहे हो मैं पहली बार ऐसे पढ़ रहा हूं तुमने पहले पढ़ा है समझो हाँ तो आदमी सिर्फ काम करते हैं औरत थोड़ी दिन काम करेगी कैसी बातें कर रहे हो है वुमन काम थोड़ी दिन करेगी वो तो घर पे काम करने वाली है ऑर्गेनाइजेशन में काम थोड़ी करेगी अगर आप इस मेंटालिटी पे चलने वाले हैं तो भाई साहब आप गलत वर्ल्ड में हैं यहां पे जब हम मेन को रेफर कर रहे हैं क्या इसमें वी मेन इंक्लूडेड है यस बिल्कुल इंक्लूडेड है पॉइंट नंबर वन अच्छा मेन ये रिसोर्स क्यों है भाई मेन इज अ रिसोर्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मशीन पे चलने वाला है क्या इट रिक्वायर्स ह्यूमन टू वर्क थिंक अप्लाई इसके लिए क्या लगने वाला है मेन एक ऐसी कंपनी एक ऐसी कंपनी जो मेन ना होने की वजह से फेल हुई मतलब प्रॉपर रिसोर्स ना होने की वजह से फेल हुई कोई आइडिया रफ आइडिया आप जानते हैं कि रिसोर्स प्रॉपर ना होने की वजह से यस, रिसोर्स प्रॉपर ना होने की वजह से जो फेल हुई चलिए सबसे पहले लिखिए मेन means labor required in organization men means the labor required in organization they can be skilled or unskilled जरूरी थोड़ी ना जिन मेंस की आप ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रहे हो रिसोर्सेज वो क्या होने चाहिए स्किल्ड ही होने चाहिए अनस्किल्ड का भी उतना ही काम है आप मुझे बताइए अगर एज अ पार्ट ऑफ आर ऑर्गेनाइजेशन अगर एक व्यक्ति कोई यहां पे आकर के गेट ओपन ना करे या बाकी चीजें एक्टिविटी ना करे तो क्या सुबह सात बजे दिक्कत हो सकती थी यस yes. यानी आपको स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड उतने ही रिक्वायर्ड है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में यस yes. तीसरा तीसरा जब हम मेंस की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर में फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं दे कैन बी फुल टाइम और पार्ट टाइम सो मेन एक रिसोर्स रिसोर्स ना होने के कारण यह पूरा मशीनरी फेल हो सकता है फॉर एग्जाम्पल आर्मी ऑब्लिक पुलिस आप मुझे बताइए कोई बड़ी घटना हो सकती है अगर मैन की अवेलेबिलिटी या रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी ना रहे आर्मी या पुलिस अगर इन्हें एज ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए अगर इन्हें एज ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए क्या तकलीफ है आर्मी या पुलिस दूसरी बात हो सकता है आपके शहर में कोई ना कोई एक बड़ा होटल हो एक अच्छा खाने का आउटलेट हो आप उस खाने के आउटलेट में जाते हो अपने प्रिय मित्र के साथ करीबी मित्र के साथ बराबर है वहां जाके आपने ऑर्डर दिया पहली बात तो ऑर्डर आने को बीस मिनट लग गया यही आपका पारा चढ़ गया आपने पहली रोटी खाई दूसरी रोटी लाने को अगेन उसने पंद्रह मिनट लगाए तीसरी में अगेन पंद्रह मिनट लगाए होटल बहुत अच्छा है आप दोबारा विजिट करना चाहोगे क्या तकलीफ कहा है मैन्यू तो पहला रिसोर्स जो बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या है बेटा मेन दूसरा मनी साहब ये तो वही चीज है ना जिसके लिए हम सब भाग रहे हैं आप भी मैं भी बराबर है अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं क्या धंधा हमेशा खुद के पैसे से किया जाता है या बोरोड फंड से भी किया जाता है तो जब हम बिजनेस करते रहेंगे क्या सिर्फ ओन फंड की रिक्वायरमेंट होगी या बोरोड फंड की भी यानी क्या मैं कह सकता हूं इट कैन बी अ प्रॉपर मिक्स ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी यानी जब हम मनी की बात कर रहे हैं हमें यह समझना होगा कि वन ऑफ द रिसोर्सेज वी रिक्वायर्ड इज फ्यू ऑफ डेप्ट कैपिटल एंड फ्यू ऑफ ओन कैपिटल यस आज पता है एक कंपनी को बहुत ज्यादा तकलीफ में है एक कंपनी बहुत ज्यादा तकलीफ में है मनी रिसोर्स ना होने की वजह से मनी रिसोर्स ना होने की वजह से रिलायंस कम्युनिकेशन रिलायंस कम्युनिकेशन आज का केस स्टडी नंबर टू आज का केस स्टडी नंबर टू रिलायंस कम्युनिकेशन अभी थोड़ी देर बाद जाके हम इसी कंपनी के ऊपर आज का डिस्कशन भी करने वाले हैं रिलायंस कम्युनिकेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम मनी कंस्ट्रेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम मनी कंस्ट्रेन मनी कंस्ट्रेन कैसे सॉफ्ट बैंक से लोन लिया टेलीकॉम चलाने के लिए सॉफ्ट बैंक से क्या लिया बेटा लोन लिया कंपनी चलाने के लिए बट एट द सेम टाइम खुद का भाई बीच में आ गया 4G बीच में आ गया एयरटेल बीच में आ गया और अदर कंपनीज बीच में आ गई मनी मैनेज हुआ ही नहीं और मनी मैनेज ना होने के कारण कंपनी कहां चले गई कंस्ट्रीन में अच्छा जब हम मनी की बात कर रहे हैं जब हम मनी की बात कर रहे हैं कैन दिस कैपिटल बी फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम आउटसाइड इंडिया कैन बी फ्रॉम इंडिया और आउटसाइड इंडिया क्या करना पड़ता है Require budgets. आपको कोई भी खर्चे करने से पहले क्या बनाना पड़ता है बजट्स प्लैंड एलोकेशन एंड देन रिसोर्स एलोकेशन आप ऐसे ही उठा के खर्चा नहीं कर देते सबसे पहले आपको लगते बजट यह चीज आपको कॉस्टिंग में सिखाई जाती है ग्रुप वन में फिर दूसरा आता है प्लैंड एलोकेशन उसे कैसे खर्चा करना है सिखाया जाता है एफ में इन ग्रुप टू फंड मैनेजमेंट करके आपको एक टॉपिक होता है और उसके बाद में इसे कहां कहा, कैसे कैसे एलोकेट करना है दिस इज द डिसीजन टू बी टेकन इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मैन मनी तीसरा बेटा बोलो मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेस मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेस किसी भी तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेस के लिए जो मटेरियल चाहिए हम उस मटेरियल की बात कर रहे हैं हम उस मटेरियल की बात कर रहे हैं अच्छा एक मुझे बात बताइए मटेरियल जो होगा ये हमेशा दूसरों से खरीदा जाएगा या हम खुद भी बना सकते हैं पक्की बात कैन यू गिव मी वन एग्जाम्पल कोई कंपनी जो खुद का ही मटेरियल बना के खुद ही यूज करती है टाटा परफेक्ट एग्जाम्पल टाटा स्टील खुद ही बना करके खुद ही की कारों में यूज कर रहे हैं बाकी छोड़िए है? पतंजलि खुद ही गुलाब गुलाब जल पतंजलि गाय के साथ गौशाला गौमूत्र भैया प्रोडक्ट है हमें एस में घिननी आनी चाहिए आप समझिए यहां पे घिन का कोई काम नहीं है सो दिस कैन बी ब्रॉट और प्रोड्यूस्ड फॉर एग्जाम्पल टाटा स्टील दिस कैन बी ब्रॉट और प्रोड्यूस्ड एग्जाम्पल एक ऐसी कंपनी एक ऐसी इंडस्ट्री जो मटेरियल के कारण आज बहुत ज्यादा इफेक्टेड है सेमीकंडक्टर चिप अवेलेबिलिटी पता है आपको ये क्या चल रहा है सेमीकंडक्टर चिप अवेलेबिलिटी आज आप कार लो आप मशीन लो किसी भी प्रकार की आप मोबाइल लो इन सभी के लिए क्या यूज होता है चिप और इस चिप का क्या चल रहा है शॉर्टेज अब बताइए अब बताइए तकलीफ महिंद्रा एंड महिंद्रा टाटा दोनों कंपनी क्या आपको पता है महिंद्रा ने रिसेंटली अपनी तीन कार लॉन्च की है चलो जल्दी से बताओ एक्स 500 फाइव हंड्रेड का अपलिफ्टेड वर्जन एक्स 700 सेवन हंड्रेड एंड द रीसेंट वन स्कॉर्पियो इन गाड़ियों के लिए एक एक डेढ़ साल की वेटिंग है कितनी एक एक डेढ़ साल की सिर्फ और सिर्फ एक रीजन की वजह से चलो जरा चेक करते महिंद्रा या टाटा मैन का प्रॉब्लम है मशीन का प्रॉब्लम मनी का प्रॉब्लम है प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है यानी क्या मैं कह सकता हूं इवन इफ वन रिसोर्स इज इंपैक्टेड द बिजनेस इज इंपैक्टेड तो आज इनका प्रॉब्लम क्या है चिप शॉर्टेज इज द प्रॉब्लम जिसके कारण बिज़नेस इज इंपैक्टेड अब इनको ना मेन का प्रॉब्लम है, भरपूर लोग ऑर्गेनाइजेशन में ना मनी का प्रॉब्लम है बहुत है आज इनके क्या प्रॉब्लम है मटेरियल इज द प्रॉब्लम सो अब इनको क्या करना पड़ रहा मैनेज मैनेज किस चीज को करना पड़ रहा चिप जहां से जैसे भी जो भी चिप मिल रही उतनी चिप लेकर क्या करो यूज करो और यूज करके एटलीस्ट क्या करो जिन जिन लोगों ने पैसा दिया है इनकी कार की डिलीवरी दे दो क्योंकि इनके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है मैं आपको बताता हूं इनको सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन आ रहा है इंडिया में सेमी चिप्स मैनुफैक्चर बहुत कम है एट द सेम टाइम जो कंपनीज है लाइक किया क्या किया किया ठीक है जो कंपनीज है लाइक किया या एम ये क्या कर रहे हैं ये फॉरेन से ही सेमीकंडक्टर चिप्स को लगा करके दे रहे हैं या फॉरन से ही चिप से, सेमी कंडक्टर चिप को बहुत अच्छे से लेकर के आ रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए जब कोई व्यक्ति महिंद्रा में जा रहा है गाड़ी बुक करने के लिए उसको एक साल का वेटिंग लग रहा है अब अगर किसी को कार की रिक्वायरमेंट है कोई बोलता है यार मैं देख टू व्हीलर बहुत हो गया जीवन के अंदर में बारिश का सीजन है मैं टू व्हीलर में जाऊंगा नहीं मैं लूंगा मेरी कार अब इस आदमी को एक साल तक के अगर आप कार रोक दोगे वो आदमी के पास पैसा लेकर के खड़ा है वो आदमी आज क्या कर सकता है फाइनेंस लेकर के खड़ा है कार के लिए फाइनेंस उसको इमीडिएट मिल जाएगा ओन कैपिटल अवेलेबल है प्रॉब्लम क्या है उसको गाड़ी नहीं मिलने वाली यहां कंपनी ने अगर मैनेज नहीं किया यह बिजनेस सीधा सीधा कौन उठा करके लेके जाएगा यह बिजनेस सीधा सीधा कौन उठा करके लेके जाएगा किया आई होप योर अंडरस्टैंडिंग दिस सो मेन मशीन मटेरियल चौथा क्या है बेटा मेन मनी मटेरियल मशीन Men, money, material, machine means the equipment used for. मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन द इक्विपमेंट यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन धीरज कह रहे सर एमजी की भी तो वेटिंग है डेफिनेटली धीरज एमजी की भी वेटिंग है क्योंकि एक ग्लोबल शॉर्टेज चल रहा है और ये सबसे हाई प्राइस में चल रही है आज की चिप जो अवेलेबल है हा जी मशीन मींस द इक्विपमेंट आज आपको पता है इंडिया में एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है ऑयल प्राइजेस इंडिया के बहुत ज्यादा है हाँ या ना और इसी के लिए कहीं ना कहीं इंडिया ये जो बहुत बड़ा पैसा फॉरेन के ऊपर जाके खर्चा कर रहा है इसको शिफ्ट किया जा रहा है चलिए आज आपको स्टोरी बताता हूं द ईवी इन इंडिया की ईवी इन इंडिया जरा ध्यान से सुनिए इसकी शुरुआत होती है 2015 में इसकी शुरुआत होती है 2015 में जब मोदी जी की मुलाकात होती है किससे बोले जल्दी एलॉन मस्क इसकी शुरुआत होती है 2015 में जब पहली बार मोदी जी कहां आते हैं एलॉन मस्क से मिलने के लिए जाते हैं राइट right? ऑब्जेक्टिव इस मीटिंग का कुछ नहीं था इट वॉज कैजुअल मीट इट वॉज अ कैजुअल मीट बट टर्न आउट टू बी अ चेंजिंग पॉइंट इन इंडिया 2015 में मोदी जी जब फॉरेन विजिट करते हैं एलॉन मस्क को भी विजिट करते हैं इस विजिट के अंदर में देखते हैं कि एलोन मस्क का एक टेस्ला के साथ एक विजन है क्या आपने कभी टेस्ला का विजन पढ़ा है नहीं तो चैप्टर नंबर थ्री में हम लोग पढ़ेंगे टेस्ला का विजन विजन है कंपनी का टू बी द मोस्ट कंपेलिंग कार ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी टू कन्वर्ट वर्ल्ड ट्रांजिशन इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब पूरे वर्ल्ड को कन्वर्ट करना है किसके अंदर में इलेक्ट्रिक एनर्जी के सस्टेनेबिलिटी पे क्या आपको पता है टेस्ला अकेली ऐसी कंपनी है जिसने अपने 400 पेटेंट ओपन करके रखे हैं क्यों इतनी फेमस है 400 पेटेंट को ओपन करके रखा है कि कोई भी यूज करो ट्रांजिट कर दो वर्ल्ड को ट्रांजिट कर दो इन एनर्जीज एन में क्योंकि आज पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पैसा पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मालिक पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पैसा क्या खरीदने के लिए जाता है क्रूड ऑयल अब ध्यान से सुनिएगा मोदी जी गए मिलने के लिए उनको एक कंसेप्ट बड़ा पसंद आया उन्होंने सोचा कि यार हम क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते कुछ सालों तक के इसके ऊपर वर्क किया गया 2019, मिनिस्टर एक बहुत बड़ा धमाका ओपन करती है मिनिस्टर आते ही कहती है कि बॉस अब से 2030 तक का टारगेट लेके चल रहे बाय 2030 इंडिया विल कंप्लीटली शिफ्ट टू ई वहीकल सबसे बड़ा नुकसान मारुती मारुति के शेयर प्राइस सबसे ज्यादा डाउन हुए रीजन बिंग, रीजन बिंग क्योंकि बींग ने सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल पे काम किया था मारुती ने ऑलरेडी तीन साल के लिए वहीकल्स बना करके रखे थे स्टॉक बहुत ज्यादा था और अचानक फाइनेंस मिनिस्टर ने आकर के ईवी का डिक्लेरेशन कर दिया एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम इनकम टैक्स में सेक्शन को इंसर्ट कर दिया ए बी इनकम टैक्स में एक सेक्शन को इंसर्ट कर दिया ए जिसने इंसेंटिव प्रोवाइड कर दिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को एट द सेम टाइम इन्होंने चेंज किया जीएसटी इन्होंने चेंज किया जीएसटी जहां अदर व्हीकल्स के ऊपर एटीन परसेंट का जीएसटी था इन्होंने इन व्हीकल्स के ऊपर सिर्फ पांच परसेंट का जीएसटी रखा जिसके कारण इन व्हीकल्स का कॉस्ट अदर व्हीकल्स के कॉस्ट से कम आ गया एंड थर्ड जिसने सबसे बड़ा गेम चेंज किया होता सब्सिडी सब्सिडी प्रोवाइड किया गया आज अगर आप बजाज चेतक लेने ले जाते हो विच इज एन ई वेहीकल इसका एक्चुअल कॉस्ट होता है वन लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड कितना बेटा लेकिन यही आप यही आप आज ले सकते हो वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड में बिकॉज ऑफ दब्सिडी बाई गवर्नमेंट गवर्नमेंट खुद सब्सिडी दे रही है आप लोगों को ताकि आप क्या कर सको ई परचेस कर सको आई यू गेटिंग माई पॉइंट सो ये एक चीज हुई अब इसके कारण क्या बदल रहा है जरा देखिए इसके कारण क्या बदल रहा है जरा यह देखिए इक्विपमेंट चेंज हो रहे हैं तो पूरे के पूरे क्या चेंज हो रहे हैं इक्विपमेंट चेंज हो रहे हैं क्या आप बता सकते हैं ईवी से कौन कौन सी इंडस्ट्री और मशीनरी चेंज हो सकती है सबसे पहले आप बताइए कौन कौन सी इंडस्ट्री पे इसका इंपैक्ट आ रहा है अबे इंडस्ट्री इंपैक्टेड बताइए इंपैक्टेड बता सर ऐसी सारी इंडस्ट्री जो पेट्रो प्रोडक्ट्स के अंदर में डील कर रही है ऐसी सारी इंडस्ट्री जो पेट्रो प्रोडक्ट्स के अंदर में डील कर रही है लेकिन आप मुझे बताइए ऐसी इंडस्ट्री जो इंक्रीज हो रही है सर पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटरीज पेट्रो प्रोडक्ट्स में डील करने वाली जो कंपनी है इनके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है फॉर एग्जाम्पल आप कैसे पहचानते कोई कार है जैसे सड़क पर चल रही है आप कैसे पहचानोगे कोई कार्य भी है जल्दी से बताओ सर पहली बात नंबर प्लेट कौन से कलर की होगी ग्रीन दूसरा हाँ सर ये गाड़ी आवाज ही नहीं करती अच्छा एक्सीडेंट भी इंडिया में कई बार इस वजह से हो रहे क्या होता था पहले गली, -गली वै 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 वै। ये सुनो और वो आपने देखे हो ना कुछ अल्ट्रा फैशन वाले लड़के चार बटन ऊपर के ओपन टाइट जींस मुंह में मावा है ना हाथ में चार पांच यहां तक के बैंड भाव, पिंटे भाव टाइप के बराबर है ये जब भी गाड़ी चलाते थे ये जब भी गाड़ी चलाए जाते थे अगर दूसरा तरीका आपको जानना है वो है साउंड उससे अच्छा तरीका बताओ कैसे पहचान लोगे कोई ईवी है सर गाड़ी के पीछे लिखा होता है ईवी और कोई तरीका साइलेंसर नहीं होता जहां से आप नॉर्मल पेट्रोल डीजल व्हीकल में आप देखोगे धुआं अब जब पेट्रोल डीजल ही यूज नहीं हो रहा तो धुआं कहां से आएगा तो आप देखोगे नीचे का जो साइलेंसर बोलते हैं अपन इन गाड़ियों में आपको साइलेंसर दिखेगा ही नहीं तो आप किसी भी गाड़ी को देख करके तुरंत पहचान पाओगे अब आप सोचिए आपको नहीं लगता ऐसी कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है साइलेंसर या इंजनस एटसेट्रा ये सारी एनसीलरी इंडस्ट्री इंपैक्ट कर गई लेकिन एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम ट्रांसमिशन कंपनीज ऊपर आ गई जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन कंपनीज है या पावर जनरेटिंग कंपनीज है ये ऊपर आ गई क्यों क्योंकि वर्ल्ड में पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगा इंडिया में पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगा अगर पावर का कंजम्पशन बढ़ रहा है आपको समझ में आए या ना आए इसके कारण इलेक्ट्रिक कंपनी इलेक्ट्रिकल स्विच कंपनीज को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा सोच के देखेगा पूछो कैसे अरे मेरे भाई अब आप खुद एक पेट्रोल पंप लेके घूमोगे अपने साथ में आज कोई भी जब ईवी खरीद, खरीद रहा है आपको पता है क्या चल रहा है मार्केट में वो एक चार्जर एक्स्ट्रा खरीद रहा है और कंपनी एक चार्जर एक्स्ट्रा बेच रही है पूछो क्यों एक चार्जर वो अपने घर पे लगा के चलता है बात समझना साहब कि रात में जब जाए जैसे मोबाइल को रात भर चार्ज पे लगा देता है वैसे ही वो गाड़ी को रात भर चार्ज पे लगा देता और एक चार्जर अपनी डिक्की में लेके घूमता है कंपनी इज चार्जिंग टेन थाउजेंड रुपीज फॉर ईच सेपरेट चार्जर आज कंपनी वहां से भी प्रॉफिट बना रही है दूसरी बात अब ये जो चार्जर है ये हर पार्किंग्स में लगेंगे अरे एवरीबॉडी एक चार्जिंग मैं अपने घर पे लगाऊंगा एक चार्जिंग मेरे पार्किंग में लगेगा सपोज विजय ने अपने घर पे एक चार्जर लगाया विजय प्रेस्टीज पॉइंट पे भी तो एक चार्जर लगाएगा जरूरी थोड़ी ना रात में घर पे जाके चार्ज करने नहीं मिला सपोज रात में घर पे जाके विजय चार्ज नहीं हुआ आई मीन चार्ज करने नहीं मिला सपोज विजय अरे मेरे बोलने का मतलब ये था कि घर पे जाके विजय को चार्जिंग का टाइम नहीं मिला विजय घर पे जाके चार्ज नहीं हुआ तो विजय बाहर जाके तो चार्ज होगा कि नहीं होगा जहां विजय वर्क कर रहे हैं वहां जाके वो चार्ज हो जाएगा क्या तकलीफ है उसमें तकलीफ है कहीं नहीं ना जहां पहुंचाने में मैं वहां पर पहुंचाने नहीं दे रहा हूं ध्यान से सुनो इसके बाद सर अगर मुझे प्रेस्टीज पे चार्जिंग लगानी है तो सोचिए किस किस का बिजनेस बढ़ा मैं धीरे से आपको आज के दो शेयर रिकमेंड करने जा रहा हूं अब विजय को प्रेस्टीज पे चार्जिंग स्लॉट लगाना है विजय को क्या करना है सोचिए जरा थोड़ा सा सोचो आप पहुंच जाओगे आपको नहीं लगता विजय को अपने इलेक्ट्रिकल मीटर से एक वायर निकाल करके चार्जिंग यूनिट तक लाना होगा वायर अगर आएगा वहां तक के तो वहां पे एक इलेक्ट्रिकल स्विच लगाना होगा इलेक्ट्रिकल स्विचेस वाली कंपनी इनको ढूंढना पड़ेगा कौन सी लिस्टेड है क्योंकि मैक्सिमम लोग कहा दिमाग लगाएंगे सबको लग रहा है ईवी आएगा ईवी आएगा, आएगा तो सबने बैटरी वाले एक शेयर परचेज करके रखे अब बैटरी तो एक बिकेगी स्विचेस कितने बिकेंगे पहले ये सोचो गलत जगह पैसा मत लगाओ स्विचेस बिकेंगे वायर्स जाएंगे सुनो आप शायद अभी तक समझे नहीं पूरा गेम इंडिया है बेटा स्विचेस को कैसे लगाया जाता है खिल्लो से यहां पे इतने डेंजर लोग हैं, खिल्ले निकाला बोर्ड निकाला या तो फिर इनमें बारिश का पानी ना चले जाए तो एक छोटा सा स्टील का बॉक्स बनाया जाएगा उसके बाजू जिसके अंदर इसे रखा जा सके स्टील और गाड़ी कोई भी हो स्टील तो लगेगा कि नहीं लगेगा सो अनादर इंडस्ट्री कौन सी इंक्रीज होने वाली है स्टील गाड़ी कोई भी हो स्टील लगना ही लगना है सो so यहां पे आपका इंक्रीमेंट होगा खाए के बेटा स्टील के ऊपर और कुछ ध्यान में लो सोचो अगर तुम एक गाड़ी लेके आए और तुमने आज जो पार्किंग में की वहीं तुम गाड़ी पर चार्जिंग लगा रहे हो और क्या होने वाला है और क्या बढ़ सकता है जोर से बोलो जोर से बोलो इलेक्ट्रिक फिटिंग्स बढ़ गई वाइट केसिंग पट्टी इसको बोला जाता है इसे केसिंग पट्टी बोला जाता है वाइट केसिंग पट्टी बढ़ेगी हाँ या ना ये सारी चीजें हैं जो आपकी इंक्रीज होगी चलिए यानी अगर मशीन को प्रॉपरली हैंडल किया गया तो ये सब कुछ हो सकता है अब अगर मशीन्स की बात की जाए तो आज सबसे ज्यादा इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है किसके ऊपर इन एनर्जीज के ऊपर कोई भी कंपनी सबसे पहले ये देख रही कि हम हमारा बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इंक्रीज किया जाए इंडिया में एक और बात चालू है कि, कि किस तरीके से किस तरीके से बैटरी एक यूनिफॉर्म रखी जाए क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगा हर कंपनी ने अगर अपनी बैटरी लगा दी तो हाईवे के ऊपर इसकी तकलीफ हो जाएगी तो ऐसे केसेस में यह बात चल रही है यूनिफाइड बैटरी सिस्टम की यूनिफाइड बैटरी सिस्टम की बात चल रही है कि किस तरीके से इसे इंक्रीज किया जाए ये एक न्यू बिजनेस मॉडल भी है अब आते हैं कुछ शेयर प्राइस आप कुछ शेयर जिसको आप ले सकते हो इस एंगल में पहला अमर राजा बैटरीज ये सारे शेयर लॉन्ग टर्म के हैं मतलब मिनिमम दो साल होल्डिंग तब जाके आपको डबल के बेनिफिट मिलेंगे पर मैं आपको बता दूं ये उसके पहले आपको बेनिफिट दे देंगे पहला अमर राजा बैटरी दूसरा दूसरा कार्बोरेंडम यूनिवर्सल पता है क्या कंपनी क्या करती है पता है क्या कंपनी क्या करती है कुछ आइडिया कंपनी क्या करती है किसी भी चीज को अगर कट करना है और उसे एक सैंड पेपर यह सबसे ज्यादा यूज होगा क्योंकि गाड़ियों को घिसने के काम आता है उनके फिनिशिंग के काम आता है तीसरा उठाइए एशियन पेंट्स कार में एशियन पेंट्स का क्या काम है कमाल करते हो पांडे जी गाड़ी पेंट नहीं होगी के होगी ना लोग गलत जगह ध्यान लगा रहे लोग सिर्फ बैटरी पे ध्यान लगा रहे क्रॉम्पटन ग्रीव्स क्रॉम्पटन ग्रीव्स सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल पट्टी और इलेक्ट्रिकल स्विच सबसे सस्ते में इंडिया में क्रॉम्पटन ग्रीव्स देता है ये उठाओ क्रॉम्पटन ग्रीव्स पांचवा पांचवा क्स पिनोलेक्स केबल्स ये वो पांच कंपनी है जो ईवीज के तहत आपको इंक्रीज दे सकती है और ये सब आपके बजट में ये सारे शेयर एक्सेप्ट एशियन पेंट्स आपके बजट में एशियन पेंट्स 2000 से 3000 के रेंज में जाता है बट अदरवाइज ये सब कंपनीज आपके इसमें हैं अच्छा अरे भाई साहब सॉरी 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 सुब्रॉस भारत में कोई भी गाड़ी बनी उसका एसी सुब्रॉस बनाता है भारत में कोई भी गाड़ी बनी उसका एसी आप मानके चलो सुब्रॉस से आता है तो सुब्रॉस बराबर है इसके बाद में एक एमएक्स करके कंपनी है ध्यान से सुनना एमएक्स करके कंपनी है इफ लिस्टेड एमएक्स एज ऑफ नाउ लिस्टेड नहीं है पर अगर ये कंपनी कभी लिस्ट हो जाती है तो ये और दूसरा अपोलो टायर्स कोई भी ईवी बनेगा अपोलो टायर्स सर एक्स एम आर एफ बजट के बाहर है तुम्हारे ठीक है बजट के बाहर अस्सी हजार रुपए का शेयर है बजट के बाहर है ठीक है ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं करने का लाइफ में पता चला सर एक शेयर लेंगे अपन भाई तेरा तोड़ सर अपोलो टायर्स लेना रीजन पूछो क्यों एमआरएफ बड़े टायर्स के लिए ज्यादा फेमस है अपोलोस टू व्हीलर्स के लिए भी फेमस है तो आज एक जो बहुत अच्छी कंपनी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग अथर ईवी EV. ईवीज में सबसे ज्यादा चलता है अथर एथर या अथर जो भी बोलते हैं अपोलो टायर्स ये वो है जो आपको ले लेनी चाहिए समझ में आया सो so, आज मैक्सिमम कंपनीज जो टू व्हीलर्स में है या फोर व्हीलर्स में है इनको किस चीज की जरूरत है मशीन्स क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं पूरा का पूरा तो इतने सालों से मारुति मारोती होंडा जिन्होंने अपनी मशीन बना करके रखी थी अब इनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो जाएगा चेंज दे विल रिक्वायर ह्यूज कैपिटल दे विल रिक्वायर ह्यूज कैपिटल और अभी तक के तो आप समझ ही नहीं रहे हो सर अभी तक तो होंडा इस गेम में उतरना बाकी है होंडा ने तहलका मचाया था एक्टिवा ला करके जो आज भी चल रहा है बट अभी तक हम लोगों ने एक्टिवा ईवी नहीं देखा है अभी तो आना बाकी है अभी तो ईवी के सेगमेंट में सिर्फ अथर उतरा है अभी तो सिर्फ बजाज उतरा है अभी तो भी है, हीरो होंडा का आना बाकी है मार्केट में होंडा का आना बाकी है टीवीएस हो सकता है कि वापस से रिवाइव कर जाए टीवीएस हो सकता है वापस से रिवाइव कर जाए नेसेसरी अप्रूवल्स के बाद सो मैनेज करना है पांच एम को पहला क्या हुआ बेटा मेन दूसरा क्या हुआ मनी तीसरा क्या हुआ मटेरियल चौथा क्या हुआ मशीन पांचवा पा क्या है बेटा मेथड्स मेथड्स क्या बेटा मेथड्स अब आप ये पूछेंगे कि सर मेथड्स तरीके जहां पहुंच रहे हैं वहां पहुंचना नहीं बेटा लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव जिनको बेटा इन दोनों के बीच का फर्क नहीं मालूम कोई बात नहीं बेटा हाथ से बनाया गया प्रोडक्ट या मशीन से बनाया गया प्रोडक्ट बाई गॉड भगवान का नाम लो सालो सुबह सुबह लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव चलिए आइए दिन का थर्ड केस देता हूं केस नंबर थ्री ऑफ टुडे सुना होगा एक कंपनी जो पुणे में है कौन सा बेटा लिज्जत पापड़ क्या आप इसकी स्टोरी जानते हैं बताइए स्टोरी कैसे आया लिज्जत पापड़ कुछ भी आइडिया नहीं एटोपना खाया है कभी लिज्जत पापड़ खाया नहीं खाया सर देखो अपन ने पापड़ खाया जीवन में ये नहीं पता ये काय का था मम्मी ने दे दिया अपन ने चटकार लिए ऐसे ठीक है ये पता नहीं था कौन सा पापड़ है और जीवन में करना क्या है इसका छोटे रहते हैं कंपनी कैसे बनी सर कोऑपरेटिव सोसाइटी आप ये फॉर्मेशन हो गया बनी कैसे ये पूछ रहा हूं क्या आपको केस स्टडी है लिज्जत पापड़ का या ना चाय पिलाओगे हा या ना सर हुआ ये कि सबसे पहले लिज्जत पापड़ अराइज हुआ नीड से घर की दो लेडीज ने पुणे में ही पैसों की रिक्वायरमेंट के चलते पापड़ बना करके पहली बार दूसरों को देना चालू किया द दे देन हमारे यहाँ पापड़ का सिस्टम बताता हूं इंडियन कल्चर में पापड़ अचार आम पापड़ ये ऐसी चीज़ है जो तो घर में ही बना ली जाती है अब 2022 तक के घर में ये सब कोई काम नहीं करता बट आप शायद बचपन में होते थे तो आप शायद देख सकते थे घर में ही पांच छह लेडीज़ आजू बाजू की भी मिल करके पापड़ बनाना शुरू कर देती थी और सब कॉमन कंजम्पशन में इसे यूज करते थे अब हुआ क्या लिज्जत पापड़ ने पहली बार चालू किया इसे बिजनेस मॉडल की तरह कभी देखा ही नहीं गया इसे बिजनेस मॉडल में कभी रखा ही नहीं गया ये हमेशा से ऐसा था कि भैया लाएंगे और ला करके पहली बार उन्होंने बनाया और बना करके बेचा क्या आप जानते हैं पहली बार जब लिज्जत पापड़ बेचा एक किलो के पीछे तीन पैसे का प्रॉफिट हुआ एक किलो के पीछे कितने पैसे का प्रॉफिट हुआ तीन द देन यह अमाउंट बहुत बड़ी थी कि तीन पैसे का प्रॉफिट हुआ लेडी बड़ी खुश हुई कि यार मैं तो पापड़ बना रही हूं तीन पैसे का प्रॉफिट भी हो गया ये तो बहुत अच्छी बात है यार ये तो बहुत अच्छी बात है उन्होंने अपने ही घर के दो रिलेटिव को और एंगेज किया उन्होंने बोला चलो यार पापड़ बनाते हैं पापड़ बनाया उसी एरिया के अंदर में वापस इसे डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया बिजनेस मॉडल समझिएगा किस तरह से डेवलप हुआ मेथड से फर्क नहीं पड़ता बिजनेस में क्या है लेकिन मैनेजमेंट उसमें भी लगेगा चाहे वो लेबर इंटेंसिव हो चाहे वो कैपिटल इंटेंसिव हो तो लेबर इंटेंसिव पे हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं लिज्जत पापड़ का सो so, हुआ ये कि इन्होंने बेचना चालू किया जब तीन लोगों ने बनाया और तीन लोगों ने बेचा तो हर एक ने एक एक पैसा रखा तो तीनों बड़ी खुश हो गई वाह यार एक पैसा मिल गया इतनी जी मेहनत में एक पैसा मिल गया इन्होंने आसपास के सभी लोगों को जोड़ा एक वेब सीरीज आई है इस कंसेप्ट को बताते हुए मॉडल बदल दिया बस सास अचार बहु अगर आप बड़े होकर के सोचते हैं कि मैं मेरा बिजनेस करूंगा इस वेब सीरीज को जरूर देखना सास अचार बहु रियल लाइफ स्ट्रगल दिखाया गया है कि कैसे एक स्मॉल बिजनेस को स्टार्टअप किया जाता है और ठीक यही स्टोरी यही स्टोरी को उठाया बस अचार में डाल दिया यही स्टोरी को उठाया बस अचार में डाल दिया बाकी कुछ नहीं किया सर इसके बाद जब पैसे बढ़ने लगे तो इन्होंने क्या किया इन्होंने और लेडीज को जोड़ा क्वांटिटी बढ़ाई और क्वांटिटी बढ़ा करके सेल करना शुरू किया धीरे धीरे करके जो सबसे पहली लेडी थी उसको समझ में आया कि इसमें घर घर में बेच के अगर हम इतना प्रॉफिट बना रहे हैं इसे होटलों में बेच करके कितना प्रॉफिट बनाया जा सकता है तो पहली बार इसका होटल चेन ढाबों पे बेचना चालू किया कि आप पापड़ रखने शुरू करो आज अगर आप होटल में जाते हो हम सबसे पहले क्या मंगाते हैं मसाला पापड़ कभी सोचा ये ट्रेंड चालू कैसे हुआ ये चालू इस वजह से हुआ कि लोगों ने बोला इस तरह से करना चालू करो एंड दैट्स हाउ बिजनेस ग्रोन आज की तारीख में लिज्जत पापड़ कई प्रोडक्ट्स के अंदर में डील करता है सिंपली लिज्जत का कंसेप्ट है चलता कोऑपरेटिव मूवमेंट पे ही है

पापड़ के अंदर में है और कई ऐसी एंसिलरी चीजें जो खाने के साथ यूज होती है इनके अंदर में जिसमें तीखी मिर्ची बारीक मिर्ची और शादियों के कई सारे लगने वाले मुखवास जो घर पे बन सकते हैं वो सारा लिज्जत कंपनी सेल कर रही है कंपनी बहुत फंडेड है कैश रिच है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट विमेन ड्रिवेन है मोस्ट इंपॉर्टेंट विमेन ड्रिवेन है सो लेबर इंटेंसिव हो या फिर कैपिटल इंटेंसिव हो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री कम ऑन एवरीबॉडी कैपिटल इंटेंसिव जल्दी बताओ एक कंपनी कोई भी कैपिटल इंटेंसिव जल्दी कोई भी कंपनी बता दो जो मशीन से चल रही है मशीन बना रही है टाटा कोई भी कंपनी हो सकती है मशीन ड्रिविन किस मेथड से आप बनाते हैं So, हमें क्या करना है मालिक रिसोर्स अच्छा आई होप सबको पता चल रहा होगा अलग अलग प्रोडक्ट के साथ क्या है अच्छा मेरा पहला दिन है आप लोग का तो डेली है ये बताओ ब्रेक होता है आप लोग को ये नहीं होता ना हाँ बस ठीक बस इतना ही समझना था अच्छा नहीं है ब्रेक बीच बीच में हाँ कितना दस मिनट का होता है अच्छा पांच मिनट का होता है क्या करते हो इस ब्रेक में कितने बजे होता है अचानक घड़ी देख के बताया ना तुमने साने है? तुमको बेटा पांच मिनट के लिए छोड़ा ना तुम नौ पैंतालीस तक वापस आओगे नहीं सच बताओ होता है नहीं होता है बेटा झूठे लोग है, है? लो सुनो एवरीबॉडी कम बैक मैनेजमेंट इज यूज इन बिजनेस ऑब्लिक सर्विस इंडस्ट्री मैनेजमेंट इज यूज्ड बाय प्रॉफिट मेकिंग एज वेल एज नॉन प्रॉफिट मेकिंग मैनेज किस चीज को करना है रिसोर्सेज रिसोर्सेज में कितने बेटा 5 एम एवरीबॉडी पहला मेन दूसरा तीसरा चौथा पांचवा क्या मैं ऐसा कह सकता हूं मेन ने मनी जुगाड़ के मटेरियल खरीदा मशीन से प्रोडक्ट बनाया और अपनी मेथड से बेचा हां 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 1 मिनट क्या 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 क्या, क्या? वापस वापस बोलो वापस बोलो मैंने मनी जुगाड़ के मटेरियल खरीदा अपनी मशीन में बना के अपनी मेथड से बेचा क्या 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 वापस बोलो मनी से मटेरियल खरीदा मैंने मनी से मटेरियल खरीदा अपने मशीन से अपने मेथड से बेचा वापस से बोलो मैंने मनी से मटेरियल खरीद के अपने मशीन में अपनी मथिन अपने मेथड से बेचा यस और नो अच्छा मैनेजमेंट को ध्यान से सुनिए मैनेजमेंट को क्या डिफाइन किया गया है क्या मेरी बात एक बात समझ के चलना पहले बात तो ये सोच के देखो इज मैनेजमेंट अ फिलोसॉफी यस और नो पहली बात फिलोसॉफी मतलब क्या होता है ये बताइए वैसे ये लाइन तीन बार आपको पूछी गई है एग्जाम में इज मैनेजमेंट ऑफ फिलोसॉफी फिलोसॉफी मतलब वट इज फिलोसॉफी अपना खुद का ज्ञान ये मेरी फिलोसॉफी है ये मेरा सोचना है अब हो सकता है जो मैं सोच रहा हूं वो आप ना सोच रहे हो या आप जो सोच रहे हो वो मैं ना सोच रहा हूं पॉसिबल है अरे हाँ या ना बिल्कुल पॉसिबल है एक टाइम पे एक ही चीज पे अलग अलग व्यक्तियों की सेम ओपिनियन हो सकती है अलग अलग ओपिनियन भी हो सकती है या ना तो आप बताइए मैनेजमेंट का वही एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होगा या अलग अलग डेफिनेशन होगा वैसे मैं आपको बताऊं मैनेजमेंट के एरा रहे हैं मैनेजमेंट के एरा रहे हैं ओल्ड मैनेजमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट और मॉडर्न मैनेजमेंट ओल्ड मैनेजमेंट मॉडर्न मैनेजमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट मैनेजमेंट तीन ऐरा से गुजरा है क्योंकि समय समय पे, वक्त वक्त पे वो बदले हम बदले अरे मतलब जमाने बदले और हम बदले हाँ ऐसा नहीं है कि वो बदले इसलिए हम बदले ऐसा तो कोई नहीं है ना कि बदल दिए हमने भी जीने के दस्तूर अब जैसी दुनिया वैसे हम ऐसा तो नहीं है ना किसी का कि ऐसा ही है ऐसा ही है हाँ होना भी ऐसा ही चाहिए बेटा याद रखना मैं तो ये कहूंगा कि अगर किसी ने तुम्हें तो तुम्हारा वक्त देख करके अपना डिसीजन बदल दिया वक्त लगा के इतनी मेहनत करना कि उसको अपने डिसीजन पे जरूर पछतावा हो सही है कि नहीं जरूर बदलना चलो जी मैनेजमेंट के तीन एरा रहे ओल्ड मैनेजमेंट बिजनेस अलग तरीके से किया जाता था बहुत छोटे लेवल पे किया जाता था बड़े लेवल पे नहीं किया जाता था तो मैनेजमेंट का कोई एक गुरु रहा आंसर इज नो मैनेजमेंट के बहुत सारे अलग अलग गुरु रहे सो देर आर मेनी पीपल देर वेर मेनी पीपल मैनेजमेंट हम ओल्ड मैनेजमेंट में कभी भी किसी एक व्यक्ति को रिकॉग्नाइज नहीं करते देर आर मेनी पीपल जिसके अंदर जिसप हम रिकॉग्नाइज करते हैं ओल्ड मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग थे बिकॉज मैनेजमेंट की फिलोसॉफी बिल्कुल अलग थी जितने बिजनेस उतनी अलग अलग फिलोसॉफी क्या मैं कह सकता हूं भले ही अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं देखिए हम ग्रुप टू की क्लास ले रहे हैं कोई और भी हो सकता है ग्रुप की क्लास ले रहा हूं, कोई और अकेडमी दोनों सेम बिजनेस में सेम कैटेगरी ऑफ सर्विस में डील कर रहे हैं दोनों की फिलोसॉफी सेम है अलग अलग है बिल्कुल अलग अलग है पूरी अलग अलग है आप लोग के तो टाइम में मैच नहीं कर रहे कुछ साढ़े पांच को खाली हो रहे हैं कुछ ग्यारह कंटेंट हो सकता है वही हो कंटेंट हो सकता है वही हो हो सकता है बाकी चीजें वही हो बट थिंग्स आर डिफरेंट फिलोसफी इज डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशन इज डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशन इज डिफरेंट सो ओल्ड मैनेजमेंट में देर आर मेनी पीपल फिर एक कह आया साइंटिफिक मैनेजमेंट का ध्यान तो सुनिए फिर एक कह रहा आया साइंटिफिक मैनेजमेंट का साइंटिफिक मैनेजमेंट एवरीबॉडी साइंटिफिक मैनेजमेंट इसके फादर है कोई और आपने पढ़ा है इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बताओ 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 अरे पता है आपको पता है मैं कह रहा हूं पता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहीं पढ़ा पढ़ा सा लगता है ना कहा पढ़ा है पहली बात तो इलेवेंथ में पढ़ा था आपने ओ सी पढ़ते वक्त एफ डब्ल्यू टेलर याद आपको कुछ नहीं है मुझे पता है एफ डब्ल्यू टेलर अच्छा मुझे एक बात बताइए साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या चल पाया या नहीं चल पाया Scientific management was a hit concept or was a failed concept? It failed. It failed. Pucho Q. Because human behavior is highly unpredictable. Human behavior is highly unpredictable. आप ह्यूमन पे साइंटिफिक मेथड अप्लाई करने की बात कर रहे थे अनप्रडिक्टेबल आप खुद सोच के देखिए जिन दोस्तों के बाजू में बैठे हो वो प्रडिक्टेबल है क्या आपके दोस्त ग्रुप में जो भी आपका दोस्त ग्रुप होगा इनमें एक आदमी हमेशा ऐसा होगा जो कब क्या कांड करेगा इसका कोई गारंटी नहीं है मतलब अचानक साथ आपके साथ में चलता रहेगा उधर कोई रास्ते में दिख रही अच्छा अचानक एंड यू बी लाइक ये मेरे साथ नहीं है ये मेरे साथ नहीं है अच्छे खासे से गाड़ी चला रहे अच्छे खासे से गाड़ी चला रहे गाड़ी चला भैया ये मेरे साथ नहीं है थ्री टाइम आई डिड द सेम थिंग मैं गाड़ी चला रहा हूँ बाजू में दर्शन सर दर बैठे पीछे विशाल सर चल और हुआ ही इट हैपेंस कि कुछ तो दर्शन सर दर ने तारीफ करी मेरी इमेजिन क्या होता है देखो दोस्त जब तारीफ करे तो डाइजेस्ट नहीं होती लाइफ में उनसे एक्सपेक्टेड नहीं होता ना आपको दोस्तों से क्या एक्सपेक्टेड होता है वो फोन उठाए और बीप फोन उठाए और बीप बीप समझ रहे हो तुमको भी ये समझ में आ गया ना काना तक के पहुंच गई ना वो आवाज फोन उड़ा वो दोस्ती नहीं जो आपको फोन उठा के बीप ना कह दे या तो आप कभी स्पीकर पर डालो तो पहले बोलना पड़ता भाई फोन स्पीकर पे भाई फोन स्पीकर पे रोक फोन स्पीकर पे तो दर्शन सर ने कुछ तारीफ करे बी बिले मैंने काज खोला ए चाला 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 विशाल सर बिले हमारे साथ नहीं, नहीं जाओ 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 ह्यूमन बिहेवियर इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल आई एम श्योर आप लोगों ने अमित सर का लेक्चर देखा होगा एकदम अच्छा खासा शांति से चलता रहेगा एकदम मत ठीक है आदमी इतना अच्छे से बैठ करके अगेस पंडर लोग डेटा अचानक से डेटा कोई आदमी मस्त तो सो रहा है अचानक से उठेगा कुछ तो अचानक से आएगा कुछ तो अचानक से आ जाएगा पर आपको पता ही नहीं कहां से आ गया पता ही नहीं कहां से आ गया, जीवन में चल क्या रहा ठीक उसी तरीके से अभी थोड़ी देर पहले मैं बड़े शांत बैठा था अचानक से मेरे अंग में आया ह्यूमन बिहेवियर इज हाईली अनप्रडिक्टेबल बॉस एकदम से अंडरस्टैंड कर रहा एकदम ईजी कॉन्सेप्ट ठीक है ओके सो <laughs> एफ एफ डब्ल्यू टेलर क्या वाले एक ध्यान से सुनना तोड़ एकदम तोड़ ए ह्यूमन बिहेवियर इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल साइंटिफिक मैनेजमेंट्स चल नहीं पाए रीजन बिंग उन्होंने ह्यूमंस के ऊपर ही अप्लाई करने की कोशिश की दैट डिन वर्क फिर आया एक एरा आज जो आप पढ़ रहे हो द कंसेप्ट इज कॉल्ड एज मॉडर्न मैनेजमेंट आज जो आप पढ़ रहे हो द कंसेप्ट इज कॉल्ड एज मॉडर्न मैनेजमेंट हु वॉज द फादर बोले जल्दी से हाँ हेनरी फ्योल ये बड़ा होके एमसीक्यू बनेगा ये के बनेगा यह बड़ाओके एमसीक्यू बनेगा हेनरी फ्योल द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट सर फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट क्या कर रहा था क्या किया इन्होंने मॉडर्न मैनेजमेंट में क्या किया मॉडर्न मैनेजमेंट में सबसे पहले इन्होंने एक ही वर्ड कहा ओनर एंड मैनेजमेंट इज डिफरेंट इन्होंने सबसे पहला कंसेप्ट किया उन्होंने कहा ओनरशिप और मैनेजमेंट को अलग अलग देखना चालू करो द ओनर इज मे और मे नॉट बी द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ओनर और मैनेजमेंट को डिफरेंट देखना चालू करो और उन्होंने कहा देखिए होता क्या था पहले एक ही आदमी सब कुछ करता था वन पर्सन यूज टू डू एवरीथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कहा ये सबसे पहले बंद करना एक आदमी सब कुछ कर सकता नहीं लिमिटेशन ही तो एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता ऐसे केसेस में इन्होंने सबसे पहले क्या बनाया ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले क्या बनाया ऑर्गेनाइजेशन और उन्होंने बोला द एक्टिविटी हैज़ टू बी डिवाइडेड इन फाइव एरिया द एक्टिविटी इज डिवाइडेड इन फाइव एरियाज इसे पांच एरियाज के अंदर में आपको क्या करना है डिवाइड करना है पहला बोलो बेटा पहला हुँ. इसे आसान शब्दों में याद रखा जा सकता है पॉज्ड कॉर्ब यह भी कहीं पड़ा पड़ा सा लग रहा है ना इसे याद रखा जा सकता है पॉज्ड कॉर्ब के थ्रू सर पी फॉर प्लानिंग उन्होंने बोला सबसे पहले इसे ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है कोई भी चीज उठे पड़े अचानक से नहीं कर देते प्लान अरे ऐसे नहीं अचानक से कर दो कुछ भी प्लान ओ से ऑर्गेनाइज ऐसा कुछ भी नहीं थोड़ा अच्छे से साफ सफाई ऑर्गेनाइज प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग लोगों को लगाओ स्टाफिंग सबसे पहले प्लान करो ऐसा कहा जाता है पीटर ड्रक कौन बेटा कई लोग इसे ड्रंकर पढ़ते हैं नो no. इट्स ड्रक पीटर साहब कहते हैं मोटिवेशन के थ्रू बताऊंगा इफ अ पर्सन फेल्स टू प्लान ही प्लान्स टू फेल पीटर ड्रकर साहब कहते हैं सबसे पहली चीज करनी चाहिए वो है प्लानिंग अचानक से नहीं फर्स्ट यू शुड प्लान प्लानिंग करने के बाद ऑर्गेनाइज करो सर ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या है एनी बडी इट्स अ कैडबरी ध्यान से सुनिए इट्स अ कैडबरी डेरी मिल्क क्वेश्चन कैन यू प्लीज टेल मी वॉट इज ऑर्गेनाइज समझता इंग्लिश आप सबको है इसका मीनिंग समझाओ ऑर्गेनाइज करने का मतलब